मदीने के आका को दिल दे चुका हूँ। नवीदे मसीहा को दिल दे चुका हूँ। मुझे खौफ महशर में हरगिज न होगा, मुझे खौफ महशर में हरगिज न होगा। दो आलम के दाता को दिल दे चुका हूँ। जो है हजरत आमिना का दुलारा, जो है हजरत आमिना का दुलारा, जो है हजरत आमिना का दुलारा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसकी नजर जर्रे जर्रे विखाकी, है जिसकी नजर जर्रे जर्रे विखाकी, है जिसकी नजर जर्रे जर्रे विखाकी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी को दिल दे चुका हूँ। मदीने के आका को दिल दे चुका हूँ। नवीदे मसीहा को दिल चुका Zaudin University FM 98.2।
आपके दिल की आवाज सिर्फ ZU FM 98.2। सुबह की ताजा खबर, ऑसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM ओनली ऑन ZU FM 98.2 पयामे जुस्तजू। ठीक ठाक है, खैरियत से है। दिस इज मॉर्निंग वाइब्स विद मी। आपका हमारा साथ ब्रेकअप से लेकर पूरे पूरे 11 बजे तक करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथों का आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, चाहे स्कूल जाए, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए या फिर जाए ऑफिसेस, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। सो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी अपने अटेंडेंस मार्क करवानी होती है, बताना होता है कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो है आप घुन्नो लिसनर। सो घुन्नो, बहुत हुआ घुन्नापन, बता दीजिए, सुनते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके रोज आना। अरे हम कुछ नहीं कहेंगे सच्ची, हम क्या कहेंगे, हम मासूम लोग हैं। हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ वेलकम। जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीका का है पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे शो में, क्या करेंगे आप, सर्च करेंगे आप ZU FM 98.2 ऑन फेसबुक एंड सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल। मजीद आगे जाएंगे आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा @RJFarhanaOfficial, तो वहां पर मेरा अकाउंट नजर आएगा, उस अकाउंट को भी जाकर अपने जल्दी से फॉलो कर लेना है। मजीद आगे जाएंगे आपको नजर आएगा ट्विटर एंड यूट्यूब ऑफ कोर्स, सर्च करेंगे @SayyedaFarhanaAli एंड SayyedaFarhanaAliOfficial। तो जल्दी से जाके लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं, हम आपको बता रहे हैं आपको बिल नहीं आएगा, बिल्कुल भी बिल नहीं आएगा, फ्री में सब्सक्राइब हो जाता है, फ्री में फॉलो हो जाता है, राइट। सो अगर आप शहर से बाहर हैं, सुबह से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने ना आप से बाहर नहीं होना, क्योंकि हमारे शो में आने के लिए आप में आना पड़ता है। आप में आइए, हमारे शो में आइए, वेलकम करेंगे आपको। ठीक हो गया? हाँ, तो भाई कैसा गुजारा वीकेंड, कैसा गुजारा मंडे, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मजे में हैं, गर्मी इंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है।
ओके चलें जी, आप लोग हमें सुन सकते हैं माय ट्यूनर ऐप पर, और साथ ही साथ में अपने फेसबुक लाइव को आप सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली माय ट्यूनर। किसी ने मुझे याद दिलाया कि भाई उसको ऑन कर दिया, तो हमने ऑन कर दिया है, परेशान नहीं हुआ करें। I'll try कि मैं आज कम से कम बोलूं, ऑफ कोर्स, और गाने हम आपको सुनवाएंगे। टॉपिक बताएंगे आज के क्या है दो, लेकिन उससे पहले एक गाना सुनवा देते हैं, मेरी आवाज ही डग गई। गाना सुनवा देते हैं, वापस आते हैं फिर उसके बाद। So, okay, गाना आप कौन सा सुनवाना है, ये बड़ा मुश्किल काम है ना, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा गाना यार। चलें जी गाना, अब ये मैशअप मेरा फेवरेट भी है और लास्ट टाइम भी मैंने आई गेस चलाया था, तो चले इसी को सुन लेते हैं, फिर वापस आते हैं, इसकी बात करते हैं आपसे मजीद बातें। राइट एंड अरे BGM भी तो ऑफ करना है। एक्चुअली दिस इज अनदर वन, सो ये वाला मैंने नहीं प्ले किया था। ओके दैट्स नाइस। मेरा दिल जावे हर बार, देखा तेनु रब लिख दे, तेनु ही मैं मंगा दिन रात। क्या बात है, वापस आते इसके बाद, आपने कहीं नहीं आना, ठीक है ना? नहीं कुछ भी नहीं यार, आई लाइक इट। मिल जावे मैनू बस तू, वो क्या कहते हैं हम आपसे भैया, अगर आप कहीं भी जाएंगे ना तो पछताएंगे, लेकिन हम आ गए, हमने नहीं देखा, हमारी तबीयत खराब है, क्या है एक दिन की छुट्टी की, असूलन तो आज भी छुट्टी करनी चाहिए थी, बट आई एम हियर फॉर ऑल ऑफ यू। सो अगर आप लोग नहीं आए ना, इतना गुना मिलेगा ना, इतना गुना मिलेगा ना आज आप लोगों को, बता रही हूँ आपको। सो वापस आते हैं इसके बाद स्टेडियम। सुनिए नी तेरा प्यार, मेरा दिल जावे हर बार, देखा तेनु रब लिख दे, तेनु ही मैं मंगा दिन रात। जावे कुछ भी नहीं, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मिल जावे मैनु बस तू, मिले मैनु मेरी जिंदगी। दिल होर कुछ भी ना चाहे, सीने नु अग दूरी लावे, इंज याद तेरी सतावे, मैनू सुतिया आण जगावे। दिल होर कुछ भी ना चाहे, सीने नु अग दूरी लावे, इंज याद तेरी सतावे, मैनू सुतिया आण जगावे। सोनी नी तेरा प्यार, मेरा दिल जावे हर बार, देखा तेनु रब लिख दे, तेनु ही मैं मंगा दिन रात। चावा कुछ भी नहीं, नो नो नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मिल जावे मैनू बस तू, मिले मैनू मेरी जिंदगी। विख विख तेनू दिल नहीं रजदा, हर वेले पड़ोसी ने लाई रखदा, बिना वेख तेनु रह नहीं सकता, कि तंज दू जादू कुड़िए। दिल उत्ते चले जोर ना कोई, लगे तेरे जई होर ना कोई, दिल नू है तेरी लोड़ जी होई, मैं ते बन गया साधु कुड़िए। सुनिए नी मेरा हाल, तू ही किता हालो बेहाल, अपना भी हुन मन ले, जिंदड़ी बिताइए दोवे नाल। जावा कुछ भी नहीं, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मिल जावे मैनु बस तू, मिल मैनू मेरी जिंदगी। दिल होर कुछ भी ना चाहे, सीने नू अग दूरी लावे, इंज याद तेरी सतावे, मैनू सुतिया आण जगावे। दिल होर कुछ भी ना चाहे, सीने नू अग दूरी लावे, इंज याद तेरी सतावे, मैनू सुतिया आण जगावे। सोनी नी तेरा प्यार,
तेरा दिल जावे हर बार लेखा तेनु रब लिख दे तेनु ही मैं मंगा दिन रात जावा कुछ भी नहीं नो नो नहीं नहीं कुछ भी नहीं मिल जावे मैनु बस तू मिले मैनु मेरी जिंदगी बिना वेख तेनू रह नहीं सकता कि तंजदा तू जादू कुड़िए दिल उत्ते चले जोर ना कोई लगे तेरे जई होर ना कोई दिल नू है तेरी लोड़ जी होई मैं ते बन गया साधु कुड़िए सुनिए नी मेरा हाल तू ही किता हालो बेहाल अपना भी हुन मन ले जिंदड़ी बिताइए दोवे नाल जावा कुछ भी नहीं 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 कुछ भी नहीं मिल जावे मैनू बस तू मिल मैनु मेरी जिंदगी दिल होर कुछ भी ना चाहे सीने नु अग दूरी लावे इंज याद तेरी सतावे मैनु सुतिया आने जगावे दिल होर कुछ भी ना चाहे सीने नु अग दूरी लावे इंज याद तेरी सतावे मैनु सुतिया आने जगावे सोनी नी तेरा प्यार मेरा दिल जावे हर बार लेखा तेनु रब लिख दे तेनु ही मैं मंगा दिन रात जावा कुछ भी नहीं नो नो नहीं नहीं कुछ भी नहीं मिल जावे मैनू बस तू मिले मैनू मेरी जिंदगी वो हो वापस आ चुके हैं 26 minutes past 9 on the dial right now. So, आप लोगों को क्या लगा? दोबारा सुनेंगे गाना? ये गाना अच्छा है. So, I thought कि इसको background पे रखते right? मजे का गाना है. So, I like it. अच्छा जी. हाँ तो भाई आज के दो टॉपिक्स बता दूं. यार मैं सच बताऊं आज मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आज क्या टॉपिक रखूं लिटरली. चलें जी आप लोग टॉपिक सजेस्ट करें जब तक हम आपको खबरें बताते हैं. सुनिए नी तेरा प्यार मेरा दिल जावे हर बार मेबी मैं इसको बीजे बना लूं सम डे बट आज के लिए तो है ऑफ कोर्स जावा कुछ भी नहीं 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 कुछ भी नहीं मिल जावे मैनू बस तू मिले मैनू मेरी जिंदगी कुछ लोगों को ना हर चीज में मसला होता है ये भी अच्छा नहीं है वो भी अच्छा नहीं है फलाना भी अच्छा नहीं है ढंगाना भी अच्छा नहीं याद तेरी सतावे भाई कुछ अच्छा भी लगता है जिंदगी में है मेरे भाई और कुछ भी ना चाहे तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कुछ अच्छा लगता है मेरे भाई ये बता दो मुझे हर चीज में नेगेटिविटी नजर आती है इस इंसान को क्या हद है सुनिए नी तेरा प्यार एंजॉय करो लाइफ चिल करो ठेका चिल फिल मैन हर चीज में जो है तुम्हें कोई ना कोई मतलब नुक्स क्यों नजर आता है मुझे तो ये समझ में नहीं आता नहीं नहीं कुछ भी नहीं हर चीज में ये ऐसे नहीं है तो ऐसे क्यों नहीं है ऐसे लोग ना हमेशा परेशान रहते हैं बता रही हूँ फरहत अपनी आदतें खत्म कर दो ऐसे जब भी तुम लोग के ब्रेकअप होते हैं सिंगल रहते तुम लोग या तो हमारे ब्रेकअप हो गए पेट्रोल तो महंगा हो गया पता नहीं और क्या कुछ महंगा हो गया यार कुछ भी नहीं 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 कुछ भी नहीं सर पेट्रोल और बिजली तो महंगा ही हो गया एक बड़ी मजेदार मैंने क्लिप देखी कल ओह माय गॉड यार काश मैं बता पाती आप लोगों ने भी देखी होगी वैसे वो चले आई विल शेयर इट ऑन माय पेज ऑफ कोर्स हाँ भाई मुल्क की तारीख का महंगा तरीन साल जो है वो शुरू होने वाला है महंगाई की शरह 30% तक पहुँच जाएगी अब इस बार
कह रहे हैं मुल्क में इस वक्त जो एक यूनिट बिजली की पैदावार की कीमत है वो 60 रुपए है। अब आप सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है। कुछ भी नहीं, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मिल जाऊंगा बस तू। और इसके अलावा और भाई और इसके अलावा कोई ऐसी खबरें नहीं, बस पेट्रोल बिजली बस हम यही बम गिराएंगे आपके ऊपर। आवाम बस इसी बम के तले दबके जाना। क्या कहूँ मैं। चलें देखते किसी ने कोई ढंग के टॉपिक बताए, अच्छे टॉपिक बताए या सब ने ऐवें फजूल। और साथ साथ हैवी फ्लू, मैंने हैवी फ्लू कब कहा फराज, मैंने कब कहा कि हैवी फ्लू। हैविंग और हैवी में फर्क पता नहीं चलता। हैविंग फीवर नॉट फ्लू बाय द वे। बेटा जाओ अपनी नजर चेक करवाओ, चश्मे वश्मे लगाओ, बूढ़े हो गए। हाँ बूढ़े हो गए बेटा। भाई तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो हम क्या करें, गुजारा कर लो। अब बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें, अब हम हर किसी की पसंद के हिसाब से तो नहीं चलेंगे ना भाई। अब आपको नहीं पसंद तो आप गुजारा करें, हमें तो पसंद आ गया ना, खत्म बात। सुनिए भाई हम तो ऐसे ही हैं, सीधी सी बात है। दिल जावे हर बार देखा ते नुरब लिख दे, मजा लेके कोई जो है ना एक टॉपिक बता दे। फालतू कितनी बातें कर लेंगे, लेकिन मतलब मजा लेके एक टॉपिक बता दे। कुछ भी नहीं, 100 बातें इधर की कर लेंगे उधर की कर लेंगे। अब जब इनसे काम की बात पूछो ना, बस वहीं पर ही सबके दिमाग खाली हो जाते हैं। दिल और कुछ है यार, चल मैं बता दी टॉपिक, तुम लोगों की बस की बात ही नहीं है। अंजी याद तेरी सतावे, मनु सुतिया आण जगावे, दिल और कुछ भी ना चावे, सीने नु अग दूरी लावे। अंजी याद तेरी सतावे, मनु सुतिया आण जगावे। चले जी, सब लोग ने अपने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं आज, राइट। खबरदार किसी ने मुझसे पूछा, मैं नहीं बताऊंगी। हाँ मैं क्यों बताऊं भाई, मैं कभी फिर किसी और दिन, नॉट ऑन रेडियो ऑफ कोर्स। नहीं कुछ भी नहीं, मिले मैंनू मेरी जिंदगी। सो आपने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने, मतलब जिसने आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेके, कोई नया मोड़ आ गया उसके बाद, सही है ना, होता है ना ऐसा, कोई ना कोई आपकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस जरूर हो जाता है। तो कोई भी आपका ऐसा लाइफ एक्सपीरियंस जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बदल गई हो, एक नया मोड़ आ गया हो, नया मोड़ मेरी जिंदगी में आया है नहीं आया है, खबरदार किसी ने पूछा, मैं नहीं बताने वाली, पहले ही बता रही हूँ, सीधा सीधा साफ साफ नहीं बताऊंगी, तो इसलिए डोंट आस्क मी। दिल उत्ते चले जोर ना कोई, लगे तेरे जई होर ना कोई, दिल नु है तेरी लोड़ दी होई, मैं ते बन गया साधु कुड़ी। सुनिए नी मेरा हाल, तू ही किता हालो बेहाल, अपना भी हुन मन ले, जिंदड़ी बिताई दोवे नाल। जावा कुछ भी नहीं, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मिल जावे मैनु बस तू, मेरी जिंदगी। सो देखिए बहुत सारे लोग वादे करते हैं ना, चांद तारे तोड़ के लेकर आएंगे आपके लिए, पहले आपको मौका देते हैं। अगर आपको अपने किसी लव्ड वन से वादा करना होता क्या वादा करते हैं? चलें लेट्स टॉक अबाउट इट। दूरी लावे अजी याद तेरी सतावे, मनु सुतिया आण जगावे। सोनी नी तेरा प्यार, मेरा दिल जावे हर बार, लेखा तेनु रब लिख दे। और आज ना मैं कॉल्स नहीं लूंगी, पहली बता रही हूँ, तो इसलिए कॉल वाले जरा आराम करें आज। आज ना मैं सिर्फ कमेंट्स को शामिल करूँ, आज मेरा मूड नहीं यार कॉल लेने का, बिकॉज आई एम नॉट इन द स्टेट टू टेक कॉल्स। तो मैं ज्यादा बात कर नहीं सकती हूँ कॉल पे, आप लोग तो लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी गुफ्तगू करते हैं कॉल्स पे, चार चार पाँच पाँच और छः छः मिनट, सात सात मिनट। तो आई कैन नॉट टॉक लाइक दिस यू नो टुडे, ऑफ कोर्स फॉर टुडे। कॉल्स ना कल शामिल करेंगी, लड़कियों के वाले दिन, सही है ना, क्या था, सिर्फ लड़कियां कॉल करेंगी ये चीज। अभी ना इतने सारे लोगों को मसला होने वाला है, लिटरली इतने सारे लोग अभी, ओहो आप ना लड़कियों के साथ ना सारी ये करती हैं कि भाई उनको ही सब कुछ बेनिफिट देती हैं, उनके लिए बेनिफिशियल हैं आप। ये पीपल शुड बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, राइट। अच्छा जी चले जी, हाँ खबरें हमने आपको अब बता दी हैं, स्टार्स की बात कर लेंगे। हाँ तो आप लोग बताइए ना, आप लोगों ने क्या क्या तीन दिन आप लोग कितना बोर हुए, जरा मुझे बताया ना कितना मिस किया मैंने आप लोगों को, बहुत मिस किया सच्ची में मैंने आप लोगों को, इतना ज्यादा मिस किया कि मैं आ गई आज, मुझे आना नहीं था आज। आई वॉज थिंकिंग कि मैं जो है वो एक और दिन का ऑफ ले लूं, बट आई कुडंट, यू नो लिख दे रात, चाव कुछ भी नहीं,
हाँ सो भाई चले, दो टॉपिक्स आज के मैंने आपको बता दिए और अब बात करते हैं क्वेरियस की। क्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने कारोबारी मसरूफियात की कामयाबी के लिए कोशिश करके अमली फवायद आप हासिल कर सकते हैं, जिसकी कामयाबी की वजह से आपका हौसला बढ़ सकेगा कि जिसके बाद आप बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं और अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। सच बताऊं मेरा मूड नहीं आज स्टार्स पढ़ने का, बट करना तो है। तो मदीहा जो है वो हर रोज मुझे सुनती है, मदीहा का मैसेज भी आ गया मुझे। कहती है फीलिंग सो हैप्पी टू लिसन टू योर फ्रेश वॉइस अगेन, दिल गार्डन गार्डन हो गया, अभी आंख खुली है और तुम्हारी आवाज सुन के मैं फ्रेश हो गई हूँ। क्या बात है, ये फ्रेश आवाज नहीं है मदीहा, अभी देखो कितनी फ्लू वाली आवाज है मेरी। एंड थैंक यू सो मच माय स्वीटहार्ट मदीहा इज यू नो, मतलब मैं क्या कहूँ मदीहा के लिए, मदीहा मेरी अगर मैं बेस्टेस्ट फ्रेंड कहूँ तो ये काम नहीं होगा, क्योंकि शी इज एन अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग पर्सन। मतलब वो कहते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपकी होती है, तो मदीहा इज वन ऑफ देम यू नो। So, रोजाना मेरा शो सुन के जाती है, क्या बात है मदीहा, ट्रेनिंग के लिए जाती है, खुश हो लड़की। हाँ तो भाई बात करते हैं आपके स्टार्स की क्वेरियस की। तो अगर आप अपनी माली पोजीशन बेहतर बनाने के लिए मौजूदा सहूलतों से फायदा उठाने में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो एक बात जरूर याद रखें कि किसी किस्म के शॉर्टकट की तरफ मत जाएं हमेशा। मैं एक बात आप लोगों को कई बार बता चुकी कि शॉर्टकट की तरफ जब भी आप जाते हैं ना नुकसान उठाते हैं, तो हमेशा सीधा रास्ता बनाएं, स्ट्रगल करें, मेहनत करें, लोगों को भी रास्ता दें, अपना रास्ता बनाएं जरूर, लेकिन लोगों को जरूर रास्ता दें। बात करते हैं पाइसेस की, पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आदि नहीं बताओ, हाँ बीमारी भी ना आ गया, ऐसे लेक्चर स्टार्ट हो गए। नहीं नहीं खैर ऐसा नहीं है, लेक्चर तो मैं वैसे भी दे दिया, समझदारी की बातें भी करते हैं। म्यूजिक बड़ा जबरदस्त बट मैं चेंज करूंगी ऑफ कोर्स जो मेरा है ना बीजीएम, जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। अपने कारोबारी मफादात के हुजूर में कामयाबी के लिए अपने पार्टनर की हिमायत और मदद का शुक्रिया जरूर अदा करें और किसी भी किस्म की पार्ट टाइम मुलाजमत के हुसूल में भी कामयाबी मुमकिन हो सकेगी। आज किसी तरह की सरमायाकारी करने के लिए बेहतरीन वक्त और मौके से फायदा उठा सकते हैं आप। और भाई और कौन है? ओके जी, तो अपने जोरे बाजू पर जो है वो आपने भरोसा रख रहे हैं और जबकि हालात की नौयत इस तरह की हो सकती है कि आपको अपनी गैर मंतकी बातों पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। यकीन करना क्या होता है? तो आज तो वैसे भी हकीकत पसंदी का एहसास आप पर गालिब रहेगा, तो जो भी मनसूबे बनाए उस पर आप अमल कर सकते हैं, ठीक हो गया। बात करेंगे एरीज के, एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? तो आज ना सिर्फ अपने मुजव्वजा मंसूबों को अमली शक्ल दे सकेंगे बल्कि अपने अहम ख्वाबों की ताबीर भी आप हासिल कर सकेंगे। आज आपको अपनी समाजी हैसियत बेहतर बनाने और माली मफादात के हुसूल में कामयाबी मिल सकेगी। अपने बाहिमी कारोबारी शराकती ताल्लुकात में बहुत ज्यादा हम आहंगी पैदा कर सकते हैं और इसके अलावा आपके लिए बेहतर होगा कि उन मुआवन और मजबूत असरात से फायदा उठाने की कोशिश करें मगर किसी भी सूरत में जिद या जल्दबाजी से काम ना लें। अगर इन हालात में आपकी मौजूदा मुलाजमत की उम्र में कोई भी तब्दीली रोनमा होती है तो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगी। और ये कौन कह रहा है मेरे पेज पर आपको नजर नहीं आ रहा शो? क्यों भाई, आप मेरे पेज पर जाएं, सर्च करें सैयदा फरहाना अली, आपको मिल जाएगा भाई नोटिफिकेशन के थ्रू। क्यों मतलब वैसे ही आपको मेरा शो मिल जाएगा, ऐसे कैसे? फराज मैंने बेटा तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं किया, तुम इस गलत फहमी में, इस खुश फहमी में तो रहना भी मत, मैं तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं करती, तुम्हें छोड़ के सारे लोगों को मिस किया मैंने। वाह वाह, अरे वाह वाह। ओके चले जी बात करते हैं आपकी, देखते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ से मौजूद है। शेयर योर लाइफ एक्सपीरियंसेस दैट चेंज योर लाइफ कंप्लीटली एंड टेल मी दैट अगर किसी से आपको वादे करने कहते हैं भाई हम आपके लिए चांद तारे तोड़ के लेकर आएंगे, आपको तुम्हें ना मरीख में प्लॉट दिलवाऊंगा मैं। हाँ तो भाई मरीख में, हाँ सही है वैसे, प्यार नहीं होगा ना। So, बताइए ना भाई अगर आप वादे करते हैं अपने किसी लव्ड वन से, क्या वादे करते हैं, ये क्या वादे किया आपने कि जिसकी वजह से जो ना आपका ब्रेकअप भी हो गया,
दिल हूँ। यहाँ तक कि आपने उसका दिया हुआ कब भी तोड़ दिया, यहाँ तक कि आपने उसका दिया हुआ काला कुर्ता अपने छोटे भाई को दे दिया। देखो फराज, तुम बातें बता के ना फंस जाते हो बेटा। देखो ऐसे होता है फिर हमारे शो में। अच्छा जी, मोहम्मद उमर कहते हैं कि शो वेरी नाइस है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। फराज कहते हैं ये ठीक है ना, कॉल नहीं लोगे आज? हाँ मैं कॉल नहीं लूंगी आज। ये खुद कमेंट्स करते ना इसलिए खुश हो रही है। अच्छा जी, और साथ साथ मोहम्मद उमर कह रहे हैं कि मैं यूनिवर्सिटी हब से सुनते हैं। वाह क्या बात है। साथ साथ मोहम्मद शायद आ रहेंगे कि 3 दिन बहुत हैं, बहुत हैं, मैंने याद किया है। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया। गुलाम कासिम कहते हैं कि वो हमें सुनते हैं लैया से, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तनवीर अहमद कहते हैं कि आप भी कल का दिन बोर था। जिस दिन हम नहीं आएंगे तो वो दिन तो बोर ही होगा ना, और नहीं तो क्या। ओके अच्छा जी, रिहान अहमद कहते हैं कि भाई आपको ना आराम करना चाहिए। कितना आराम करूं मैं, क्या करूं, मेरा फीवर ठीक हो गया, बस ये फ्लू है तो ये तो जाते जाते ही जाएगा ऑफ कोर्स, और फ्लू और साथ साथ कफ भी है थोड़ी, तो जाते जाते जाएगी। मैं अब यार मैं घर नहीं बैठ सकती हूँ, सीधी सी बात है। मतलब मुझे इतनी आदत हो गई ना, मतलब ये 5 दिन सुबह सुबह ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में ना कोई कमी आ गई। सैटरडे संडे तो ऑफ कोर्स मुझे चाहिए होते हैं, वो तो छुट्टी ऑफ कोर्स वो तो है ही, उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है सैटरडे संडे पर। लेकिन मैं एक दिन की छुट्टी कर लेती हूँ ना, और फिर मतलब मैं अगर जैसे कल छुट्टी कर ली तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो कमी है। सो ये वाला सीन हो जाता है। चलें जी आ जाएं अपने बीजेपी पे। ओके अच्छा जी, फराज वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। रिजवान रिजी कहते हैं कि आई एम बीइंग मिसिंग यू, आई एम बीइंग मिसिंग यू, व्हाट इज दैट, मंडे टू टुडे। अच्छा ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया। आप लोग क्या लगा, अभी तबियत खराब हुई तो बदल जाऊंगी मैं? मैंने नहीं बदलना भाई। फराज कहते हैं डॉक्टर अंकल को दवा लेकर आए आप, और कहते हैं अगर नहीं लेकर आई तो आप पता नहीं क्या, मैं इतनी सारी मेडिसिन खाई ना मैंने, मतलब क्या बताऊं। सैयद राजा शाह कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, काबिले काबिले हितराम, इन्होंने ये लिखते हैं काबिले हितराम, एहतराम या हितराम कहते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। और आमीन सामीन, जजाकल्लाह आपकी दुआ के लिए। राशिद फरीद कहते हैं हाय, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ ना आज वो कह रही है आप ही वो वाला टॉपिक रखो ना कि कव्वे वाला, अब मैं भी ना अपने दिल की भड़ास निकालूंगी अपने कजन नहीं तो तुम अभी ऐसी भड़ास निकालो ना उसमें क्या है भाई। और साथ साथ फराज कह रहे हैं वैसे ना आप भी मधिया की तरह स्मार्ट हो गई हैं। हाँ जी, देखिए आप जिसकी दोस्त फिटनेस ट्रेनर हो वो स्मार्ट ना हो तो फिर क्या हो है? वो भी स्मार्ट ना हो जिसकी दोस्त फिटनेस ट्रेनर हो और इतनी जबरदस्त उसकी मोटिवेशन हो आपके साथ, तो मतलब फिर आप अगर स्मार्ट ना हो तो फिर क्या हो। वैसे दिस इज ट्रुथ एक्चुअली, सो मदीहा इज माई मोटिवेशन। और मैंने मदीहा के बहुत सारे डाइट प्लान ना मैंने बड़े ट्राई किए हैं शुरू में, अभी तो खैर नहीं, अभी तो मैं मेरे अपने ही डाइट प्लान चल रहे होते हैं, अपनी मर्जी से खाती हूँ हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये नहीं कि भाई बिरयानी खानी तो 2-4 प्लेटें खा ली एक साथ, ऐसा नहीं करना भाई, हर चीज खाए लेकिन पोर्शन में खाए ताकि आप आपका स्टमक भी सेटिस्फाइड रहे, आप भी सेटिस्फाइड रहे, आपका ब्रेन भी सेटिस्फाइड रहे। ऐसे ना हो कि भाई हमने ये नहीं खाया वो नहीं खाया फिर, क्योंकि उसके बाद ना जब डाइटिंग में हर चीज कट डाउन कर दी जाती है ना फिर अचानक से आपको ऐसी क्रेविंग होती है हर चीज की, आप जो है ना 5-4 या 5 किलो तो ऐसे गेन कर लेते हैं फिर। इससे बेहतर है कि हर चीज खाएं, बट वो आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे ना, पोर्शन में खाएंगे तो बस। अरसलान मुइन कह रहे हैं अभी भी आपकी आवाज ठीक नहीं है। हाँ आवाज मेरी फ्लू की वजह से ठीक नहीं है। और साथ साथ काश वाली मलिक कहते हैं कि अनवर जावेद भट्टी साहब की वाइफ की अच्छी सेहतियाबी क्लास ऑप्शन के लिए दुआओं की दरख्वास्त है। चले जी, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी अता फरमाए, आमीन सुब आमीन। ओके अच्छा जी, और साथ ही साथ फराज कह रहे हैं वीकेंड बहुत सुकून में गया, मजे में, बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ सैयद जुनेशा वालेकुम अस्सलाम कहते हैं मुल्तान से सुनते हैं, क्या बात है। और साथ साथ दिबेन क्या नाम है यार, देवबेन किशोर अंजान कहते हैं आप कितना जल्दी बोलती हैं, जल्दी बोलना है मतलब फिर क्या करूं फिर यार, मेरा साबुन स्लो नहीं है ना। सही है जिनेश बहुत शुक्रिया। साथ काशी वाले मलिक कहते हैं हमारी दोस्त के अबू जान का भी ऑपरेशन हुआ है, उनकी भी अच्छी सेहतियाबी के लिए दुआ करें अल्लाह पाक। हमारी कौन सी दोस्त, अच्छा हाँ मुझे अंबर ने कहा था, अंबर के जो फादर है ऑफ कोर्स ही इज माय टीचर, तो आप लोग प्लीज उनके लिए दुआ कीजिएगा, उनकी सर्जरी थी कल है, कल थी उनकी सर्जरी, तो प्लीज आप उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहतियाबी अता फरमाए। अंबर ने मुझे खास तौर पर मुझे कहा था, लेकिन कल जो है वो मैंने ऑफ कोर्स ऑफ कर लिया था।
голова отходит, похоже, с ума. और इसके अलावा अलीना कह रही है, आप भी अब आपको ना आपकी तबीयत जैसी है, हैं अभी क्या लिखा है लड़की, क्या लिख रही हो। और साथ साथ मदर अब्बास यह कहते हैं कि फ्रॉम लिया पंजाब सलाम अर्जी वालेकुम अस्सलाम एंड बहुत शुक्रिया। आसिया जुनेशा कहती है योर वॉइस इज सो स्वीट, आज तो सो स्वीट नहीं हो आज तो ओके। अच्छा जी मोहसिन लियाकत वालेकुम अस्सलाम, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन सुमामीन। आप इतनी बीमारी में भी हमारे लिए आई हैं, अल्लाह पाक आपको जजाए खैर अता फरमाए, आमीन सुमामीन। नहीं मैं इतने बीमार नहीं हूँ, ये मेरी आवाज की वजह से लग रहा है, आप लोग इतना ना सोचे। हाँ मुझे फ्लू है, एक कान मेरा बंद है, एक नाक मेरी बंद है, मतलब एक नाक नहीं मतलब एक साइड की तरफ से नाक तो सबकी एक ही होती है। सैयद जुनेशा कहते हैं कि सलाम टू ऑल लिसनर्स। फराज हाँ तो दवा कौन देता है, फराज डॉक्टर नहीं देता दवा, कौन देता है फिर दवा ये बताओ, अजीब बातें करते हो। अलीना खान वाले को सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ राशिद फरीद कहते हैं कि नाइस जी, बहुत शुक्रिया। सैयद जुनेशा कहते हैं अमेजिंग स्टाइल, ये लड़का सुनता नहीं है, बस ऐसी आके तारीफें करते रहते हैं, झूठी तारीफ ना किया करो, हमारी सीधी सी बात है। और दीपन किशोर अंजान कहते हैं स्मार्ट आरजे ओके, बहुत शुक्रिया। और फराज कह रहे हैं कि हाँ जी मैं बिल्कुल, लेकिन मेरे जो फ्रेंड है ना वो कुछ मोटे हैं और कुछ स्मार्ट हैं, मिक्स फ्रेंड है मेरे, तो फिर क्या होगा। बॉडी शेमिंग पता है आपको नहीं करनी चाहिए, मजाक में भी नहीं करना चाहिए, हमारे यहाँ बड़ा आम है। किसी को कहते हो गबलू बबलू हो तुम तो हैं, दिस इज बॉडी शेमिंग राइट। इसको कहते हैं कि मतलब दो बहन है, ये चार बहन है, तीन मतलब उसमें तीन गोरियों और एक का रंग जरा थोड़ा सा जो है वो ब्रिटिश है या यू नो या ऐसे ही मतलब थोड़ा सा कम है उनसे गोरा। तो भाई आंटी आपकी तीनों बेटियां तो इतनी गोरी, ये किस पे चली गई, दिस इज ऑल्सो बॉडी शेमिंग। हमारे ना इतना ऐसे मतलब इतना ईजी लिया जाता है इस चीज को, शर्म नहीं आती यार लोगों को, सीधी सी बात है यार। आज तुम लोग की हैप्पी बर्थडे वाला दिन है, देखो तीन दिन बाद आई हूँ मैं, आज सारी मैं कसर निकालूंगी देखो। और सैयद राजा कह रहे हैं बहुत बहुत पता नहीं क्या कह रहे थे, सज्जाद मलिक अंकल आ गए, अंकल क्या हाल है अंकल, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सजादी बेटी, तो माशाल्लाह एक बेहतरीन अखलाक किरदार और हसीन मुस्कुराहट की मलिका है, बहुत शुक्रिया अंकल, जज़ाकअल्लाह। आपका कमेंट स्क्रॉल हो चुका है, मुझे लगता है कुछ दिनों बाद ना मुझे याद हो जाएगा अंकल का ये कमेंट, फिर मैं देखे बिना पढ़ लूंगी। देबन किशोर कहते हैं कि वेरी स्वीट, अच्छा भाई मोहम्मद अजलान अजलान सॉरी अजलान वालेकुम अस्सलाम। फराज कह रहे अच्छा ये गुलजार की ना मीन क्या है, जैसे लेकिन कमेंट नहीं करता था लेकिन अब बस है शुरू है, समझ नहीं आया। अलीरा खान क्या हो गया भाई, क्यों जबान बाहर निकाल लिया। और साथ साथ नूर के मोहम्मद नूर कहते हैं सिस्टर मैं बहुत टाइम से सुन रहा हूँ लेकिन कमेंट नहीं करता था लेकिन अब से शुरू, अच्छा आप ही गए, चैलेंज जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद नूर मेरे भाई। आप चिश्ती वालेकुम अस्सलाम थैंक यू। और आप मेरे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्लू वाली आवाज वाली आरजे वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया। कहते हैं बात सुने मैडम हम अभी तक ना एक आवाज सुन सुन के थक गए थे, हाँ अच्छा है ना कुछ न्यू मिला, वैसे अच्छी वॉइस है कसम से, हाँ बिल्कुल हाँ अच्छी लग रही है आवाज, झलक दिखला जा ऐसी वाली आवाज या फिर वो ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, यार अजीब हो जाती है आवाज, मुझे बड़ी बुरी लगती है ये वाली आवाज। फराज कहते हैं ये सॉन्ग आपको ना रूसा ने बताया था या उसे उसी के काम है, नहीं नहीं मुझे किसी ने नहीं बताया, ये मैंने जैसे ही यहाँ पर जो है वो मैं सर्च कर रही थी तो सामने मुझे नजर आ गया, ये जिशान जैनी की मुझे शक्ल नजर आई है, मैंने कहा यार ये मैशअप लिखा हुआ था तो मैंने कहा चलो प्ले करते हैं, आई वॉज थिंकिंग ये वो वाला मैशअप है जो कि मैं सुनती हूँ अक्सर, बट इट वॉज एन अदर, तो फिर मैंने कहा चलो खैर कोई नहीं। मोहम्मद अजान कह रहे आप कितनी छुट्टियां करती है, खुदा का खौफ करो यार, खुदा को मानो मैं तो एक छुट्टी भी नहीं करती सैटरडे संडे के अलावा, अल्लाह माफ करे यार कैसे लोग तुम लोग सेल्फिश लोग, एक दिन मैंने छुट्टी कर ली आप कितनी छुट्टियां करती हैं, यार अल्लाह पूछेगा तुम लोग इतने झूठ पड़ते हो। सैयद राजा शाह कहते हैं कि प्लीज टॉपिक क्या है, टॉपिक अभी तो बताया मैंने, शेयर योर लाइफ एक्सपीरियंस। अच्छा जी और साथ साथ फराज कह रहे हैं ओ अच्छा आज मैं ना करूंगा आपकी बर्थडे वो भी विदाउट केक, बेटा बस कर दो लिमिट में रहना फराज मेरे साथ, तो पहले बता रही हूँ मतलब मैं लिहाज नहीं करती बिल्कुल, वरना मेरे शो में आने के लिए लिमिट में आओ। और साथ साथ मीर तौफीक कहते हैं कि टॉपिक क्या है जरा, तुम पता क्या आप लोग ना मैं मजाक करती हूँ ना बहुत ज्यादा फ्री हो जाते हैं आप लोग, हद से ज्यादा लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, तो एक लिमिट में रहना चाहिए, एक एक थिन लाइन होती है ना उसको कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। राहिल बलोच कहते हैं अस्सलाम वालेकुम यारा कैसा है दिल है यारा, बेटा इतना क्यों फ्री हो रहे हो,
और साथ साथ देखा मैंने अभी अभी मैंने कहा है बहुत फ्री होते यार तुम लोग और साथ साथ मोहम्मद जाफर बारिंग बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच मुल्तान से सुनते वालेकुम अस्सलाम यार काफी सारे लोग आ गए मुल्तान से क्या बात है मुल्तान वालों और मैंने सुना बड़ी गर्मी हो रही है मुल्तान शोएब खान कह रहे हैं कि हाय बरहाना कैसी हो आप आई एम वेरी वेल थैंक यू वैसे यार कराची का मौसम ना इस बार बड़ा कोई अजीब है पता नहीं कैसा मौसम है मतलब पता नहीं कैसा मौसम है अजीब यू नो कि गर्मी है फिर शाम इतना अच्छा मौसम हो जाता है और ये जो इन्फेक्शन फैल रहे हैं यू नो ये जो फ्लू है फीवर है ये इसी वजह से बड़ा ख्याल करें यार आप लोग अपना अच्छा जी मीर तौफीक खान कहते हैं तौफीक इस्लाम है खार नहीं है खान नहीं सॉरी बहुत शुक्रिया भाई कमेंट स्क्रॉल हो गया मोहम्मद उमर बहुत शुक्रिया राहिल बलोच कहते हैं कि समीना और सैमा सिस्टर सलाम बोल रही है वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया और इसके अलावा मोहम्मद उमर कहते हैं कि इजी नाउ व्हाट व्हाट इजी एंड व्हाट वाज नॉट इजी अच्छा जी खान ए एन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहाना कैसी हो वालेकुम अस्सलाम वेरी वेल शेर खान खोसो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह और इसके अलावा मोहम्मद उमर कहते हैं कि वाओ आज ना आप सिंगर बन गई हाँ मैं आज ही बन गई हूँ असल सिंगर तो आज भी नहीं हुआ कंपोजर ही बन गए अन्नू मलिक चलें जी एक ना गाना भी साथ साथ प्ले करते हैं और हाँ जी वो वाला गाना था ना मेरा फेवरेट हाँ मेरा फेवरेट ये वाला हम इसको प्ले करते हैं बैकग्राउंड पे अभी अभी तो फिलहाल बैकग्राउंड पे सुनेंगे भी टाइम है 10 बजने में क्योंकि फिर हम 10 बजे सुनते हैं ना गाना तो अभी फिलहाल हम इसको बैकग्राउंड पे रखेंगे So this is, मतलब ये तो ना मैंने सबका फेवरेट बना दिया है ना दिस इज राइट इट ऑफ कोर्स About a month and 20 days And we're going round and round playing silly games Now you're saying slow it down Not right now Then you wake up me and walk away Yeh kya kiya main betab ho gaya Tere bina mujhe nahi jeena Kya yehi pyaar hai Ban jao tum Mere sanam Kaise hua अच्छा जी राहिल बलोच कह रहे हैं कि आप ही लड़का समझ रही हो हाँ तो लड़के की आईडी से लड़का लड़कियां निकल रही है मुझे क्या पता भाई यार ये अलग ही सीन है यार मैं तंग आ गई हूँ इन तमाम चीजों से यार लड़की की आईडी से लड़के निकलते हैं लड़कों की आईडी से लड़कियां निकलती हैं समझ नहीं आता ये है यार ये हुज़ैफ़ा की आईडी से रुबीना निकल रही होती है और राहिल की आईडी से अब ये कौन है यार नाम बताओ अपना शेख खान कहते हैं वो आपका शो ना एफएम पे सुना है चलें बहुत शुक्रिया मेरे भाई सुनते रहिए मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि मतलब आप लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं अपना नाम लिखने में क्या हर्ज है अब कहेंगे फिर ना सब ना हमें रिक्वेस्ट भेजते तो भाई ऐड ही ना करो एक्सेप्ट ही ना करो क्या ये ऑप्शन नहीं है अगर भेजते तो क्या हो गया डिलीट कर दो बस इतनी सी बात है किंजा शाहदेव वालेकुम अस्सलाम वेरी वेल आप कैसी हैं आप ठीक हैं खैरियत से हैं और कहती हैं अभी पश्मीना को सलाम चलें जबरदस्त के मुन्नी वालेकुम अस्सलाम मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह कहती हैं अब तक ठीक नहीं हुई है मेरी भी खराब हो गई है चलें जी अरे मुल्तान से आते थे बीमार हो गई लड़की तुम तो हमारे लिए सोहनल वाला आने वाली थी बस कर दिया चलो ख्याल रखो अपना आबो हवा जब चेंज होती है तो हो जाता है इट्स ओके ख्याल रखें ठीक हो जाएंगी रेस्ट करें अच्छा जी सजाद हसन वाले कहते हैं बेटा जी आप मेरी बहुत ही क्यूट सी बेटी हैं और आपको रोजाना वक्त पर तारीफ कह रहे हैं बहुत ही अच्छा लगता है और ना कॉमेंट स्क्रॉल हो गया शोएब खान बहुत शुक्रिया और मीर तौफीक कहते हैं कि हम फ्री नहीं है पैसों पर चलते हम और इस बार कह रहे हैं आप इस आवाज में ना फोक सिंगिंग अच्छी तरह कर पाएंगी फोक सिंग आपको मुझे गा ही नहीं आता फोक
अच्छा जी राहिल बलोच कहते हैं कि साइमा बोल रही है कि मेरे लिए दुआ करना प्रॉब्लम नहीं बता सकती। चलें जी साइमा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है अल्लाह ताला उसको दूर करे, आसानी पैदा फरमाए आपके लिए। हम दुआ करते हैं दिल से आपके लिए, ठीक है, खुश रहिए। गजम्फर अब्बास माशाल्लाह कहते हैं वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और राहिल कहते हैं अभी आमना से पूछे ना मैं लड़की हूँ, अरे लड़की तो होगी ठीक है, लेकिन अपना नाम तो बता दो, नाम लिख दिया करो यार, एंड में लिख दो, स्टार्ट में लिख दो, ताकि मुझे पता तो चल जाए कि भाई लड़की हो। तनवीर अहमद कहते हैं अभी मैं ना आपको गुजरावाला से सुनता हूँ और आपका शो बहुत अच्छा है, चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गुजरावाला वालो, गुजरावाला वालो। दिस इज नाइस। अच्छा जी खान है, कहते हैं आज करो अभी क्या है, आज करो अभी क्या, अपने अपने लाइव एक्सपीरियंस शेयर करने, सारी दुनिया जहाँ की बातें करनी है, लोग टॉपिक पर बात नहीं करते लेकिन। अच्छा जी और इस बारे जी कहते हैं नाइस सॉन्ग यू आर प्लेइंग नाउ, बहुत शुक्रिया। और सैयद राजा शाह कहते हैं कि रिसप्लेंडेंट, ये कौन सी इंग्लिश लिखते हैं यार, ये मुझे समझ नहीं आता। सिर्फ ना मैप का, मैं ना आरजे सिर्फ ना मैप का शो सुनता हूँ और ना किसी आरजे का नहीं सुनता, भाई सुना करें, कोई मना थोड़ी ना किया है, सब आरजे का शो सुना करें, वो लोग भी इतनी मेहनत करते हैं, बेचारे लोग आते हैं मेहनत करते हैं शोज करते हैं, सबका सुने भाई। और साथ साथ राहिल बलोच कहते हैं कि अभी मैं फ्री नहीं हो रही, मैं ना शर्मीन बलोच, ओहो ये लड़की एक तो बता रही नहीं है, आ रही है दूसरी आईडी से, अब ये शर्मीन बलोच है, मैंने कहा कोई लड़का है फ्री हो रहा है इसलिए, देखो भाई पहले ही नाम लिख दिया करो ना। श्रेय खान कहते हैं अभी बहुत अच्छी हो, सो क्यूट, चलें बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और इसके अलावा मीर तौफीक खान कहते हैं आपकी वॉइस ना इतनी अच्छी तो नहीं, लोग ना मस्के लगा रहे हैं, लगा रहे तो मस्के, तुम्हारा बिल आ रहा है, आ रहा है तो बता दो, नहीं अगर आ रहा है तो बता दो, ये तुम्हारा पेट्रोल खर्च हो रहा है, बिजली खर्च हो रही है तो बता दो, मुझे बता दो, नहीं मतलब क्या मसला क्या है, खुश नहीं देख सकते किसी को आजकल के लोग, मतलब लोगों का मसला ही सारा ये है ना कि किसी को खुश नहीं देख सकते। यासर कहते हैं अभी आज कॉल उठा ले प्लीज, चलो आज तुम कॉल ही नहीं ले रहे आज तुमने कॉल ही शामिल नहीं करनी। रिजवान जैसे कहते हैं माय नेम इज रिजवान रिजवी एंड योर, क्या हो गया भाई रिजवान, दवा ने भी क्या। अच्छा जी भाई शर्मीन, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। वफा मोहरम अली शेर कहते हैं कि शो इज वेरी बेस्ट, बहुत शुक्रिया। मुनगरी आप जी सोहन हलवा तो ना पश्मीना आप ही लाइए, आपके लिए ना आपका फेवरेट अखरोट वाला, अरे वाह क्या बात है, चलो बहुत शुक्रिया। साथ साथ देवन किशोर अंजान कहते हैं अच्छा सॉन्ग है, आई लव दिस सॉन्ग, ओके ठीक हो गया। और फराज कहते हैं कि अपने फ्लू का इतना बताया कि मुझे भी कर दिया। बेटा तुम लोग इतने वहमी हो ना, वहम ये हमारी कौम का जो वहम है ना कभी नहीं जाएगा, उस दिन बता रही थी ना आंख फड़क गया तो कुछ हो जाता है यार हद है। भाईजान ने अपने नाम के साथ ही भाईजान लगाया, ये आपने बड़ा अच्छा काम किया था, कहते आपका शो ना रोज सुनता हूँ पर मैसेज दूसरी बार क्या है, आपको आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई ताहा, खुश रहिए। और साथ साथ मौसम लियाकत कहते हैं टॉपिक पर चल चले दुनिया दे उस नुकड़े जिथे बंदा ना बंदे दी जात होए, मरीख है फिर वो, सैचुरन पे भी जा सकते हैं, वीनस पे भी जा सकते हैं वैसे चांद से करीब। अच्छा जी शेव खान कहते हैं कि मेरा दोस्त है रऊफ है, आप रऊफ को हाय बोल दो, हाय रऊफ मेरे भाई कैसे हो, ठीक हो, खैर से हो। रहीम जी भी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हो, शो इज ग्रेट, सफर में हूँ अवामी एक्सप्रेस ट्रेन में शो सुन रहा हूँ, अरे वाह क्या बात है भाई, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, सुनते रहिए इंजॉय कीजिए आपका शो, कम अज कम दो घंटे का तो अच्छा गुजर जाएगा, बाकी को भी इंशाल्लाह अच्छा गुजर जाएगा, लेकिन दो घंटे का आपका ऐसा शो हो जाएगा, मतलब शो के बाद ऐसा हो जाएगा सुनने के बाद, मतलब आपके दोबारा नहीं आ रहे हो जाएंगे। अच्छा जी नहीं मतलब हम ऐसी प्रमोशन करते हैं भाई अपने शो की, हम प्रमोशन नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई, सीधी सी बात है। अच्छा जी और देबेन किशोर यार इतना मुश्किल नाम है, मुझसे तो ना नाम ही नहीं लिए जा रहा, कह रहे मैं तो लड़का हूँ, हाँ तो मैंने कब कहा कि लड़की है, मैंने आपको नहीं कहा भाई। मीर तौफीक कहते हैं कि कमेंट्स ये स्क्रॉल क्यों जाते हैं, क्योंकि और भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं और लाइव और ये स्ट्रीमिंग चल रही है इस वजह से। किंजा कह रहे हैं ठीक हो अभी जी, और कल बहुत वेट किया था आप आई ही नहीं थी, अगर आप फेसबुक में मेरे पेज पर देख लेती तो आपको पता चल जाता कि मैंने स्टेटस लगा दिया था कि मैं नहीं आऊंगी, मैंने तो एक दिन पहले इतनी जल्दी स्टेटस लगा दिया था ताकि आप लोग इंतजार ना करें परेशान ना हो। सज्जाद हुसैन मलिक कहते हैं बेटा जी फेक नाम पर आईडी बना लेते हैं, इनके दिल में चोर है। अच्छा सही अंकल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शहजाद खैर बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। और इसके अलावा और कौन है, खाने कहते कि मैं ऐसे ही हूँ अभी, कैसे हो मेरे भाई। मीर तो अभी कह रहे हैं कि हाँ बिल आ रहा है मेरा, जाओ भरो फिर बिल,
पहला अपने बिजली का बिल तो भर लो। और साथ साथ आवेदन करें टॉपिक पर, लाइफ में चेंज आया जब बच्चों के स्कूल से बेस्ट वालदैन का खिताब मिला और हमारे एजाज भी हमारे एजाज में खड़े भी हुए, यानी कि उन्हें लगता है कि हमारा टीचर के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है। क्या बात है, जबरदस्त हो गया भाई। बच्चों की वजह से अगर आप लोगों को मतलब इतनी रिस्पेक्ट मिलती है ना लिटरली, क्योंकि आप लोगों की तरबियत है ऑफकोर्स। ये बच्चे वही बोलते हैं ना जो वो अपने घर में सीखते हैं, राइट। पर आज कहते हैं हाय दिल पे ले गई, उस लड़के ने क्या बोल दिया, मस्के लगा रहे हैं। मैंने कहा दिल पे ले लिया भाई, दिल पे ना दिमाग पे, मैं तो फौरन दिमाग पे देती हूँ भाई। हम दिल दिमाग पे नहीं लेते, हम ना दिल पे रखते हैं ना दिमाग पे रखते हैं। अच्छा जी, मीर टॉफी कहते हैं ना मैं भी ना मजाक वाले मस्के लगा रहा हूँ, डोंट माइंड। ओके, अरे मैं माइंड नहीं करी मेरे भाई, बिल्कुल मैं भी मजाक ही कर रही हूँ। वैसे लगा कहते हैं कि मैम एक काम करें ना, बगैर कॉल के शो ना ज्यादा मजे का, लड़कियों तो रोज कॉल करती हैं, तो लड़कियों वाले दिन ना बगैर कॉल के शो करें, किया करें, उनकी होशियारियां चेक करें। अच्छा जी, और अरे टाइम चेक आ रहा है, हम अपनी बातों में लगे हुए और यहाँ पे टाइम चेक ना निकल जाए। टाइम चेक की जाने जाते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं, आपसे करते हैं मजीद बातें। जब तक आप कहीं नहीं जाएंगे, कहीं भी जाएंगे ना, इतना पछताएंगे फिर, हमसे मत कहिएगा भाई हमें खबर ना हुई, सीधी सी बात है। आपके दिल की आवाज। इट्स 10 AM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय जियाउद्दीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन। ऑलराइट, वेलकम बैक। हाँ जी, 10 बज गए, गाना सुने कोई और चलो कोई थके हुए गाने मत बताना। हाँ, जैसे मैं बोलती हूँ गाना प्ले करने का, सब आएंगे कोई, हम ये वाला गाना प्ले करते हैं, वाला गाना प्ले करते हैं, और फिर गाने मतलब ऐसे होते हैं ना, उस पर होते हैं कॉपीराइट। यार बड़े दिनों से मेरा अंग्रेजी गाना सुनने का दिल चाह रहा है, लेकिन मैं वो प्ले नहीं कर रही है, मुझे अपना शो डिलीट करना पड़ेगा। चलें जी, एक काम करते हैं, हम ना ये वाला गाना सुनते हैं, और दिस इज एक लम्हा बाय आजान समी, और ये गाना मुझे पसंद है एक्चुअली, और मे बी आप लोगों को भी पसंद होगा, अच्छा ट्रैक है क्योंकि। सो चलें जी, इसको सुनते हैं हम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू, ओके यस, अरे 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 क्या हो गया, यस सो वापस आएंगे इसके बाद। आपने कहीं नहीं जाना, नहीं बताना पड़ेगा क्या तेरी पना है, है। यही इश्क ने मुझसे कहा है, कुछ मुझ में तू ऐसे बसा है, कोई मुझ में ना मेरी जगह है, कुछ देखूं तो तू दिखता है, मेरी आंखों में तेरी निगाह है, तुझसे बिछड़ के बाखुदा एक लम्हा आराम आता है दीदार से, तेरे मिट जाते हैं सारे गम, है ये दुआ के तुझे देखते देखते ही निकल जाए दम, शुक्राना चाहे मैं जितना भी कर लूं के फिर भी रहेगा वो कम, तेरा तसव्वुर मुझे लेके मौला जगमगाता है तेरे उजालों से, रक्स करता है दिल तुझ पे मरता हुआ, पागलों सा तेरा जिक्र कर
करता हुआ मेरे चैन सुकून तेरी राह तू रूह की ख्वाब गाह तुझसे बिछड़ के बाखुदा मैं यहाँ जी ना सकूंगा एक लम्हा जाते हैं सारे गम शुक्राना चाहे मैं जितना भी कर लूं के फिर भी रहेगा वो कम आराम आता है दीदार से तेरे मिट जाते हैं सारे गम है ये दुआ के तुझे देखते देखते ही निकल जाए दम शुक्राना चाहे मैं जितना भी कर लूं के फिर भी रहेगा वो कम देखते ही निकल जाए दम अगर आपको कभी वादा करना पड़ा मतलब कोई ऐसा वादा चांद तारे तोड़ के लाने वाला क्या वादा किया मनाजिर महमूद हमें सुनते हैं कतर से वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया थैंक यू आई एम वेरी वेल थैंक यू एंड वालेकुम अस्सलाम पर आज कहते हैं मॉरन 5 का कभी कोई ट्रैक प्ले कर दो नहीं करेंगे नहीं कर सकते दिल मांगे यार नू हो रूबरू अपने दिलदार नू हर सू दिल मांगे यार नू हो रूबरू अपने दिलदार नू हर सू कोई हाल ख्याल है तेरा लगता नहीं दिल मेरा मेरी रात का तू है सवेरा ये क्या बेदर्द सा ये
मैं तो ऐसा गाना एंजॉय करने में लगी ना। हाँ जी खान कहते हैं, खान भाई कहते हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ तो कह रहे थे। रूबी ने कह रही है कि मैं तो ना जा रही हूँ बस, आप पोछा रह गए। कह रही है पोछा लगाने जा रही हूँ, तो लगाइए पोछा। जोया कह रही है अभी आज ना आप पता नहीं क्या कुछ क्या कह रही थी लड़की, दोबारा कमेंट करो। पर आज कह रहे हैं हाय सिंगर की आवाज बहुत अच्छी लगती है, आजान समी की, हाँ अच्छी आवाज है। इब्राहिम का लेरी कहते हैं डीजी खान से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मीर तौफीक कहते हैं कि कितना टाइम लेती हैं आप ब्रेक, आप नहीं मैं एक या दो ही ब्रेक होते हैं बस, इससे ज्यादा तो नहीं होते। रुबीना कह रही है आज कॉल नहीं ले रही, और आना नहीं, आज हम कॉल ही लेंगे, आज हम सिर्फ बात करेंगे कॉमेंट्स की, ठीक है ना। बिन यार गुजारा कौन करे, एक दिन होवे ते लंघ जावे बुलिया, सारी उम्र गुजारा कौन करे, ओ एक दिन होवे। अच्छा जी ताहा भाईजान कहते हैं नाइस सॉन्ग बाजी, बहुत शुक्रिया। और हमदुल्ला कहते हैं कि तकदीर उसे कहते हैं कि जो अक्सर इंसान को खींच कर वहां ले जाती है जहां वो जाना नहीं चाहता, जो बात है, जो बात है। और तनवीर अहमद कहते हैं अभी क्या लिखा है, जिस दिन आप शो होता है ना बहुत बहुत जल्दी टाइम गुजर जाता है। हाँ जी ऐसे ही होता है, पर आज कह रहे रा दिया सॉन्ग ने मुझे ना चुप करवाए, भाई अपनी अम्मी को बोलो तो मैं चुप करवाए। अभी टॉपिक तो बता दें क्या है, अरे टॉपिक बताया तो मैंने, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस आपने शेयर करने की जिसने आपकी जिंदगी बदल दी, आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया, अच्छा मोड़ आया। कभी कभी मोड़ बड़े अच्छे आ जाते हैं, और जो अच्छे मोड़ होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, क्यूट होते हैं। अच्छा जी हाँ जी, नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, आप लोग तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। कहते आप ही टॉपिक तो बताया ना, अरे बताया तो। रिजवान कहते कैन यू प्ले आतिफ असलम भर दो झोली, नहीं अभी क्योंकि गाने प्ले कर रही हूँ मैं, तो आई कैन नॉट प्ले सच कलाम्स यू नो। अर्शद जी और मोहम्मद नूर कहते हैं कि पहला दिन है, टॉपिक तो बताओ, टॉपिक बताया तो है। अब अमार शहजाद कहते हैं गुड मॉर्निंग, कैसी आप, वेरी वेल, गुड मॉर्निंग। रुबीना कह रही गुड मॉर्निंग फरहाना, गुड मॉर्निंग रुबीना। रिजवान कह रहे मैं वही वादा करता हूँ जिसको फुलफिल कर सकूँ, हमने ये नहीं पूछा, हमने पूछा कि क्या वादा किया। एम इब्राहिम आवान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। फराज कहते उफ, बस इस लड़के का बस उफ ही निकलता रहता है सबसे पहले ना, जब बचपन में जब इसने जब पहला लफ्ज बोलना सीखा होगा ना, वो बोला होगा उफ। और साथ साथ एम इब्राहिम आवान कहते हैं कैसी हो आप, मैं तो ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी वेल। आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोग इतनी सारी दुआएं मुझे देते हैं, इतने सारे मुझे इनबॉक्सेज आए, मुझे इतनी सारी दुआएं, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है कि मैं आई एम वेरी ब्लेस्ड यू नो, कि लोग मुझे इतनी सारी दुआएं देना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही मैं अगर कहीं लिख दूँ दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो लोग जो है वो मुझे दुआएं देना शुरू कर देते हैं, भाई मतलब मुझे बहुत सारी दुआएं मिलती हैं, बहुत सारे इनबॉक्सेज हंसी मजाक तो चलता है, ठीक है तो मैं मजाक में कहती हूँ जो भी कुछ कहती हूँ, बट यू ऑल आर अमेजिंग। पर आज तो मैं छोड़ के नहीं, खैर वैसे चलो फराज मेरे भाई, तुम भी मेरे भाई हो, मेरे शो में तो सारे मेरे भाई। अमीर तो अभी कहते हैं सिंधी सॉन्ग सुनवा सकती हैं आप, सिंगर जलाल चांडियो। अच्छा जी ठीक है। और रुबी ने कह रही है कि इतने सारे कमेंट्स थे ना, आप खा गई नाश्ता नहीं किया क्या आज? नहीं आज मैं नाश्ता करके आई हूँ, बताया काफी दिनों बाद ना मैंने आज नाश्ता किया है, और नाश्ता मुझे करना जरूरी था बिकॉज आई हैड टू टेक मेडिसिंस, दैट्स व्हाई। रिजवान इस भी कह रहे हैं कि मैं आसमान से कलाबियां नहीं मिलाता, कलाबे होता है, आसमान से कलाबे नहीं मिलाता। ओके ठीक हो गया। अच्छा जी और मैंने कहा है कलाबियां क्या होता है, मैं ना कंफ्यूज हो जाती हूँ। अच्छा जी और ए वाहिद नोहड़ी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अभी ने कहती हैं अच्छा हदी का कहने का कोई भी अच्छा सा सॉन्ग लगा दो। हदी का कहने का एक ट्रैक था ना, वो कौन सा ट्रैक था वो मुझे ना, क्या नाम था यार उसका, जानान सुने क्या, क्या ख्याल है, किसी ने मुझे कहा भी था कि जानान प्ले कर दें, और मैं ना मैंने प्ले ही नहीं किया था, मैं इतनी अच्छी हूँ ना मैंने प्ले ही नहीं किया था, बट चलें जी हम प्ले कर देते हैं, आप लोग भी क्या याद करेंगे, क्या मतलब कि सफ़ी से आपका पाला पड़ा है। नहीं ऐसे ही हम हो जाते कभी कभी शोक है, कोई नहीं।
अच्छा जी, और चलो रुबीना आपका देखें, आपने फरमाइश किया, हमने गाना लगा दिया, मतलब क्या बात है ना। इमरान करीम वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। रिजवान रिज़वी कहते हैं कि जो कर सको वही बात मुंह से निकालना चाहिए। अरे ठीक है, हाँ भाई फिलोसफी के टीचर हमने ये तो नहीं कहा। अच्छा जी, मीर दावी कहते हैं अगर सिंधी सॉन्ग सुनवाओगे ना तो फिर मैं ना लिंक भेज दूंगा, या आप ना खुद ढूंढ के प्ले कर देना। हमने तो कहा ही नहीं है कि प्ले करेंगे या नहीं करेंगे, आपने फरमाइश कर दी, चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। उम्मीद न जिंदगी ता बड़ बल्ले में जो लेदा, कह रही है कि लेकिन मैंगो नहीं थे, मतलब समझ रहे हैं। मैंने कह रही है अभी हमने ना बहुत एंजॉय किया मुल्तान में, वहां घूमने गए थे और क्या लिखा था, और कॉमेडी स्क्रॉल हो गया यार। महाराज कह रहे मेरा तो बता दिया, मैं ना आपका बताऊं, आपने हाँ बताओ बताओ, चलो बताओ। आप तो मेरे कह रहे हैं वैसे बातें नोट करके ना बातों की गहराई निकालने के गुण है, भाई ने 100 बार कुछ पता नहीं क्या लिखा था यार, कमेंट इतनी जल्दी जल्दी स्क्रॉल में दोबारा पेश कर दिया। आप मेरे पास लगा मजे की बात होगी। खान कहते हैं कि अभी रीड करें ना मेरे कमेंट, अरे पढ़ दो मेरे भाई। पर आज कह रहे हैं कि नहीं छोड़ दो मुझे ना, अब छोड़ दिया इसीलिए। आज कह रहे हैं, अरविंद कह रहे हैं बात सुनो, लोग इसलिए ना दुआ देते हैं कि कहीं आप ना पतली गली से ना निकल लो, जो जब ही ना दुआओं से आपको रोक लेते हैं। देखें जिसकी जब आएगी ना वो तो जब ही जाएगा, जिसकी जब लिखी है उसी टाइम आएगी, ठीक है ना। अच्छा जी, हम तो लगे रहे आज ना कॉल अटेंड नहीं करोगी, नहीं आज हम कॉल ही नहीं लेंगे, आज मेरा मूड ही नहीं कॉल लेने का, सीधी सी बात है। आप इधर कह रहे हैं मैं तो कभी भाई नहीं मानता आपका, आप ना आप में बहनों जैसी बात ही नहीं है, हाँ सिर्फ बातें अम्मी जैसी हैं। तो ना आप ना अम्मी जैसी आ रहे हैं। अच्छा सही है, ठीक है। ओके अच्छा जी, रिजवान कह रहे हैं मेरी जिंदगी में मोड आया है कि मैं ना रोजे रखने का आदी हो गया हूँ। अच्छा चले, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ मोहम्मद अजलान कहते हैं कि वर्गों का बताएं, अभी भी स्टार्स की बात नहीं कर रहे। अच्छा जी, और साथ साथ इसके अलावा मोहम्मद मीरान जाखरानी कहते हैं कि सलाम शो वीआईपी, बहुत शुक्रिया। राणा कुमार कहते हैं कि मैंने अपनी बेगम की बात सज्जल आबी से करवाई थी, जबरदस्त हो गया, क्या बात है। मोहम्मद जाफर बारी कहते हैं कि कॉल कब लोगी, कल। और साथ साथ रुबीना कह रही है कि थैंक यू जी, बात सुनो हम तो ना यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं, पर एफएम पर ना क्या एफएम है मेरी जान, मजा आ जाता है। क्या कहूँ मैं इस बात। अच्छा जी, मोहम्मद जाफर कहते हैं हाँ जी मैंने बता दी ना कॉल्स का, कॉल्स हम कल शामिल करेंगे, आज कॉल्स का मेरा मूड नहीं है। भाई मूड की बात नहीं है, मैंने अपना गला बिठाना नहीं चाहती, बस बात ये है, क्योंकि ना आप लोग मुझे इतना हंसाते हैं कॉल्स पे आके ना, मतलब ओहो ओहो ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें आज हम कॉल्स को शामिल करते हैं। और वैसे वो गाना यार अच्छा था, वो मैं उसको ना दोबारा से प्ले करना है मुझे, वो जो गाना था कहाँ गया, वो जो हमने प्ले किया था ना जशान जैनी का, यार इट वॉज नाइस, यस आई वॉन्टेड, यस Yes. यार मजा आ रहा है इसको सुनने में, बैकग्राउंड पे हेडफोन में सुनने का अलग ही मजा है, मुझे नहीं पता आप लोगों को अपने सस्ते एयरफोन्स में। नहीं मजाक करिए, नहीं आप मुझे नहीं पता आप लोगों के हैंडसेट में आप लोगों को कैसी आवाज आ रही होगी, बट हेडफोन में सुनने का इसको तो वाह 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 क्या मजा आ रहा है।
बैकग्राउंड में बहुत मजा आया। अच्छा जी, मोहम्मद शरीफ कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और सैयद राजा शाह कहते हैं कि आज मेरी तबीयत सही नहीं है, हल्का हल्का बुखार है, क्योंकि टॉपिक पर बात नहीं, इसलिए टॉपिक पर बात नहीं करूंगा। सारी बातें कर लेंगे क्योंकि हल्का हल्का बुखार है। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, इनको बुखार है, सुरूर का है। अच्छा कह रहे हैं कि भाई टॉपिक पर बात नहीं करूंगा, इसलिए सारी बातें कर लूंगा लेकिन टॉपिक पर बात नहीं करूंगा क्योंकि बुखार है, क्योंकि बुखार है इसलिए दूसरी बातें कर लूंगा। रुमीना कह रही है जी बहुत शुक्रिया मैडम जी, आपकी नवाजिश कर रहा है, अगर आप नहीं होती तो हम बच्चों का क्या होता, जो बात है बाकी में आप लोगों का क्या होता। और सियासत मोहम्मद नूर कह सिस्टर कॉल होगी या नहीं होगी, नहीं आज कॉल को शामिल नहीं करेंगे मोहम्मद नूर मेरे भाई, इंशाल्लाह कल से कॉल को स्टार्ट करेंगे। मैं खुद आज ना कॉल शामिल नहीं करना चाह रही हूँ। कहते हैं अभी एक भाई ना बोल रहे थे कि आपके शो का टाइम ना जल्दी गुजर जाता है। अच्छा, टाइम हमेशा जल्दी गुजर जाता है। अरे भाई क्या बात है मौसम मेरे भाई। मुकेश कुमार कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मीर तौफीक कहते हैं कि मतलब आप प्ले नहीं करोगे सिंधी सॉन्ग। मेरे भाई हमारा एक्चुअली फॉर्मेट है नहीं ना ऐसा, दैट्स व्हाई। ताहा भाईजान कह रहे हैं कि ताल्लुक रखना कोई कमाल नहीं है, ताल्लुक निभाना कमाल, जो बात है। और साथ साथ मुकेश कुमार कहते हैं कि जी मैम आज एक सिंधी सॉन्ग सुना दे प्लीज। देख तेनु दिल नहीं रजदा, हर वेल फोटो सीने लाई रखदा, बिना देख तेनु रह नहीं सकदा। आवेदन कह रहे हैं कि वैसे बातें नोट कर करके ना बातों की गहराई निकालने का गुण है, भाई ने 100 बार कुछ मैं नहीं बताऊंगा और मुझसे कोई ना पूछे जैसी बातों से मेरे दिमाग ने मुझे कहा बहुत मुबारक हो एडवांस मुबारक। आपका फर्स्ट बर्थ था, यू नो आई नो, इसके अलावा और कुछ नहीं था। हाँ मैं एजुकेटेड ही पैदा हुई थी। कर लो बात, अब बोलो आगे क्या जवाब है इसका तुम्हारे पास। और साथ साथ रुबीना कह रही है बेटा दुआ में बहुत असर होता है, जो बात है, लेकिन दुआ में जरूर असर होता है। मौत के अलावा जो है ना, अल्लाह ताला ने हर चीज के लिए आपको कहीं ना कहीं शिफा दी है। और साथ साथ मौसम करते हैं आज कमेंट बहुत ज्यादा स्क्रॉल हो रहे हैं। हाँ जी, कमेंट्स तो स्क्रॉल होने ही होने। और साथ साथ मोहम्मद असलान के नाम, आप लोग कमेंट्स करते जाएं, मैं पढ़ती जाऊंगी, बस आज यही काम है ना। मोहम्मद असलान कह रहे हैं अम्मी जैसी आरजे, उफ। ये आगे फराज का भाई खान कहते हैं कि अभी मैं ना मदीहा हूँ, पहली बार आपको कमेंट किया है। ये मदीहा है खान एन के नाम से, कौन सी मदीहा है भाई। चलो लड़की कॉल पे आना कल। अभी तो कहने बाजू ने मैडम औरंगी वालों ने ना पोछा लगा कर ना हाथ धोए या ऐसे ही मोबाइल उठा लिया। कौन सा आपका फोन उड़ाया। और साथ साथ फराज कह रहे हैं, कह रहे सैयद जफर अब्बास भाई की स्पीड भी अच्छी है। हाँ उनकी तो भाई वाह 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 वा, क्या बात है। रुबीना कह रही लो मुबारक हो आपको, पला पलाया बेटा मिल गया फरहाना। यार मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता, चलो एक छोटी सी बात है, इतनी बोंगे क्यों मारने लग जाती है यार, इतनी बड़ी बड़ी बोंगे क्यों मारते हैं आप लोग। बात है मतलब ये करने वाली बात है कोई। अच्छा जी, साथ साथ आवेदन कहते हैं कि वरी मेरी दोस्तों जैसी बहन बहना मुतारफीन पलवेशा की बर्थडे है। मुतारफीन यार क्या नाम ही है, कहते बट इस लड़की की शर्त थी कि बर्थडे वाले दिन शादी करूंगी और हुआ भी ऐसा ही, और दोनों चीजें मुबारक पगली। अच्छा भाई हैप्पी बर्थडे मुतारफीन। यार क्या नाम है, इतना मुश्किल नाम है, चले जो भी नाम है, बहुत मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ आपकी सालगिरह की और साथ साथ शादी की भी। तो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा खुश रखे, हमेशा खुशियों में रहें और अपने माँ बाप के लिए आप 22 से फख्र बने, उनकी आंखों की ठंडक बने। आमीन समामीन। रिजान कह रहे हैं कि हर जीरो को मौत का मजा चखना है, कोई ना बच सकेगा चाहे बादशाह हो या फकीर, जो बात है। और साथ साथ खान कहते हैं कि तमाम लिसनर्स को सलाम, वालेकुम अस्सलाम। राना कामरान कहते हैं क्या है, क्या चीज क्या है। मोहम्मद नूर कहते हैं मुझे अपनी हद में रहना पसंद है, लोग उसे गुरूर समझते हैं। समझ रहे थे लोगों क्या फर्क पड़ता है। नहीं, नो, नो, नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं, मैं बस तू, मिले मैं। अच्छा जी रिजवान जी कह रहे प्लीज प्ले जालिम नजरों से ना मुझको देखो, बयाली हैदर। जालिम नजरों से ना तुम मुझको देखो, मर जाऊंगा वो जाने जाना, मर जाऊंगा। I'll try, चले मैं प्ले करती हूँ, मैं भी ना भी निकाल लेती हूँ उसको। आज देखें आप लोग बता रहे हैं गाने और मैं प्ले कर रही हूँ। अच्छा हाँ, मैंने पश्तो गाने प्ले कर दिया, कोई आप सिंधी गाना तो प्ले किया नहीं। अभी आप कह रहे हैं कि ना हमारे शो का फॉर्मेट नहीं है, मतलब वो रिक्वेस्ट वाला फॉर्मेट नहीं है। असल बात ये है, आप शायद समझे नहीं,
दिल नूह तेरी लोड़ जी होई मैं ते बन गया साधु सुनिए नी मेरा हाल तू ही किता हालो बेहाल अपना भी हुन मन ले जिंदड़ी बिताइए दोवे नाल जावा कुछ भी नहीं 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 कुछ भी नहीं। चलें जी मैं देखती हूँ अगर यहाँ से हम इसको प्ले कर पाए आई गेस अगर ये सही वर्जन है इसका तो हम यहाँ से प्ले कर देते हैं इसको नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके अच्छा जी राणा गारमान कहते हैं कि अल्लाह जब तक क्या है लाइक ना करो अल्लाह जब तक लाइक ना करो ना कमेंट ना जाते ही नहीं है, है? मर ओके एजाज मुल्तानी गुड मॉर्निंग कहते हैं बहुत शुक्रिया आप कहते हैं कि कितना अच्छा है ना बुखार में हमारे नाज नखरे उठाए जाते हैं और बुखार का सबसे अच्छा फायदा यह है कि मैं तो ना अभी भी नखरे करता हूँ यार सारे मर्द ही नखरे करते हैं जरा सा उनको नजला हो जाए फिर देखो पूरा घर सर पर उठा लेते हैं कोई नई बात नहीं है। अच्छा जब मीर तौफीक कहते हैं कि चलो आपकी मर्जी यार आई लाइक इट कहते ना ये वाला गाना प्ले करना है तो प्लीज प्ले कर दे आपकी मर्जी है हाँ तो असल में रिक्वेस्ट होनी है ना तो अगर मेरी मर्जी होती तो मैं प्ले कर देती हूँ अपने बैच से लाइव हूँ तो इसलिए मैं आपको थोड़ी सी प्रिविलेज दे रही हूँ वहां अगर कहते राहत का सॉन्ग सुना दे काफी टाइम हो गया और साथ साथ रिजवान कह रहा है लाइक योर वे ऑफ टॉकिंग एंड अ स्माइल बहुत शुक्रिया थैंक यू आप इधर कहते हैं कि बट आप ना छोटी अम्मा है बड़ी अम्मा ना औरंगी वाली है बस उनका तो मत ही पूछें आप। अच्छा जी एजाज मुल्तानी वालेकुम अस्सलाम थैंक यू और फराज कह रहे हैं कि या अल्लाह छोड़ मुझे और उस पे तेरा और उस पे तेरा और उस पे तेरा मुस्कुराना मर जाऊंगा ओ जाने जाना मर जाऊंगा अच्छा रूबी ने कह रही कल लड़कों का दिन लड़कियों का दिन है तो कल कॉल लेंगी आप हाँ जी इंशाल्लाह कल कॉल लेंगे और साथ साथ मीर तौफीक कहते हैं कि हाँ बाप रे हैं क्या हो गया भाई और साथ साथ राणा कामरान कहते हैं कि अभी मैंने अपनी बेगम की बात से जलाबी से हाँ मैंने पढ़ लिया था बिल्कुल जी बहुत अच्छी बात है मैंने कहा था जबरदस्त हो गया और साथ साथ खान एन कहते हैं या ये कौन थी नाम मैं भूल गई इनका कह रही है कि आपको एक बार कॉल की थी अच्छा कॉल की थी आपने ओके ठीक है मोहम्मद शहजाद वालेकुम अस्सलाम सब बखैर क्या हाल है शहजादे लड़के ठीक हो और साथ साथ मोहम्मद शरीफ कुंबर कहते हैं कि आपको हमेशा अल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है आपको हमेशा सलामत रखे आमीन सुबह जजाकला मुआज़िन अगर कहते हैं मदीहा नाम लेकर ना आप जान निकाल देती हैं सच में मदीहा शो सुन रही हैं मेरी तरह कॉपर डांग जाती है अरे समझ तो गई होंगी आप हाँ हम सब समझ जाते अच्छा जी मीर तौफीक कहते हैं कि कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं बोंगी मारते हैं सही बात और साथ साथ मुकेश कुमार कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी क्या लिखा है तो आके पता नहीं क्या लिखा है तो आके फिर ना जाना मर जाऊंगा तो जाने जाना मर जाऊंगा साथ रुकते तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा तो जाने। अच्छा जी मीर तौफीक कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में ना आप नाश्ता करके आई हो आज मैं वाकई में नाश्ता करके आई हूँ बताया मसला ये सारा सोचें जिस दिन मैं नाश्ता नहीं करके आती हूँ आज तो मैं नाश्ता करके आई हूँ रोज मैं नाश्ता करके नहीं आती सोचें फिर आप लोगों के साथ क्या होगा। साथ साथ राणा कामरान कहते हैं कि आप कौन से कमेंट रीड कर रही हैं आज ये सारे कमेंट्स पढ़ी और कौन से पर आज कहने आपने शूज किसके पहने थे इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ आप पापा के शूज पहन के आ गई थी हद है तुमसे हद है फराज क्योंकि तुम्हें तो कुछ बता ही नहीं है तुम तो किसी और दुनिया में रहते हो वैसे वो मेरे पापा के शूज तो नहीं थे लेकिन अगर होते भी तो तुम्हें क्या मसला है भाई अगर होते तो तुम्हें कोई मसला है तुम्हारा बिल आया था उसमें तुम्हारा खर्चा हुआ था नहीं ना फिर क्या मसला है नहीं मतलब मसला क्या है मुझे ये बताओ मतलब हर चीज से क्यों मसला है तुम्हें इतने मसले मसाइल क्यों होते हैं
अपने मसले मसाइल खत्म करो भाई, और साथ साथ खुश रहो, चिल करो, दूसरों को भी खुश रहने दो और चिल रहने दो, राइट। तो हाँ भाई, ऐसे ही हैं हम, सीधी सी बात है, हम जो है ना, वो क्या लगता है और साथ साथ मोहम्मद इस्लाम कहते हैं कि आप ही न्यूज तो सुना दें आज ना, या हो क्या रहा है मुल्क में, क्यों आपके घर में टीवी चैनल नहीं आते क्या? हर बार हमारे पास एक कमर्शियल ब्रेक भी आ रहा है, लिख दे ही मंगा दे जावा कुछ भी नहीं। मैंने कह रही चलो बेटा, पर हाँ ना, मैं ना अब बस ना शो सुन रही हूँ, और दरअसल ना बराबर वाली आंटी आई हैं और मेरे पास मुश्किल लेने के लिए हैं, उसे तैयार करके उन्हें दूंगी, वो लेने आई हैं, बाय बाय। ये सही है, अपने बच्चों पड़ोसी को पकड़ा के कुछ चल करो है, और कुछ भी ना चाहे, सीने नूक दूरी लावे, अज याद तेरी सतावे, मनु सुते आण जगावे, सोड़ी नी तेरा प्यार। चले जी, हम जाते हैं अभी एक टाइम चेक, नहीं टाइम चेक नहीं है, अभी एक कमर्शियल है, सो कमर्शियल के बाद जब वापस आएंगे फिर आपसे मजीद बात करते हैं, ठीक है ना? स्टे ट्यून्ड। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी एफएम 98.2। ZU 98.2 पयामे जस्तुजु आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2। सुबह की ताजा खबर, ऑसम मौसम, और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी एफएम 98.2। सिंध एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2018 के मुताबिक हर गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉयर पाबंद है कि वो अपने यहाँ कम से कम 5% अफराद बहम माजूरी को हायर करे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो एक्ट के मुताबिक उसे हर एम्प्लॉय के हिसाब से पेनल्टी गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। कुछ इदारे जैसे कि नौ PDP और www.disabilityjobcenter.pk माजूर अफराद को जॉब्स की तलाश में मदद करते हैं। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय CBM इंटरनेशनल and MALC. ZU 98.2 payame just jo वापस आ चुके हैं भाई। आज मुझे कमेंट पढ़ के हंसी आई एक्चुअली। शहजाद ने लिखा है कि और ये बैकग्राउंड पे नया सर दर्द लेकर आ गई हैं आप। हाँ, तो ये सर दर्द है यार, तुम लोगों का म्यूजिक सेंस बहुत खराब है। तुम लोगों को बस वो अलग नहीं अच्छे लगते हैं, पहले तो कभी कभी गम था है? तेरा प्यार मेरा दिल जावे हर बार। गाना पता कैसे, आप जाए ड्राइव पे प्ले करें फुल आवाज में, ओहो कुछ भी नहीं, and enjoy yourself. Mil jaave mainu bas tu, mil mainu meri zindagi, dil hor kuch nahi. Aur pata hai kya, woofer pe play kare, kya maza aayega na. Main kaise kya aap logo ko kaise mashware deti na, kaisi advices deti na. Dil hor kuch nahi na chahe, seene nu ek doori la. Acha ji, taha kehte hain ki baaji aapka show sunte hue 2 ghante ka pata hi nahi chalta, aur literally mujhe khud 2 ghante ka pata nahi chalta ki kaise guzar jate hain aap logo se baatein karte karte. राणा कमरान कहते हैं कि फराज के ना सारे कमेंट रीड किए आपने भाई, मुझे जिस जिसके कमेंट नजर आ रहे हैं मैं सब पढ़ी हूँ। और साथ साथ अच्छा जी, मीर टॉफी कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से प्ले करें सॉन्ग, मैं अपनी मर्जी से प्ले कर रही हूँ। इस बार जी कह रहे हैं आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर कोऑपरेशन दैट यू आर प्लेइंग माय चॉइस, ओ माय माय, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ शाहिद हुसैन मुलाक, क्या नाम है यार, बहुत शुक्रिया।
अच्छा जी, ताहा कहते हैं कि बाजी जब मैं आपका शो नहीं सुनता था ना तो बहुत टेंशन में रहता था, पर अब बहुत रिलैक्स फील करता हूँ। अरे वाह क्या बात है मेरे भाई, खुश रहो ताहा, जज़ाकअल्लाह। और साथ साथ राणा कमरान कहते हैं आप हाँ जी मैंने पढ़ लिया था। राणा कमरान कहते हैं आपने सजलाबी का शो सुना था या नहीं? नहीं मैं नहीं, मैंने नहीं सुना शो, एक्चुअली मैं रेडियो सुनती नहीं हूँ। सुनिए नहीं मेरा हाल, मतलब इट्स बिन वेरी लॉन्ग, मैं नहीं सुनती हूँ रेडियो। हाँ मैं सुना करती थी लेकिन अब नहीं सुनती हूँ। फराज कह रहे हैं कि अली हैदर ओल्ड इज गोल्ड, यू नो आज कल ना वाकई में लोगों की नजरें जाले में, पता नहीं चलता कि क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, जो बात है। और साथ साथ मीर टॉफी कहते हैं कि हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास व्हाट पढ़ नहीं पाई। मैं कमेंट स्क्रॉल होकर आदमी कहते हैं समझ गई आपकी लाइफ में ना व्हाट। अच्छा जी, एजाज मुल्तानी कहते हैं शो इज ऑसम, वालेकुम अस्सलाम। और इसके साथ प्रिंस सलमान वीर, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। रिजवान रिजवी कहते हैं कि अब आपकी तबीयत कैसी है? अब मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और साथ साथ राणा कामरान कहते हैं ये कौन है नाश्ते की बात कर रहा है। और साथ साथ जवार मोहम्मद बलोच कहते हैं, नहीं बलोच नहीं बच्चा लें, कहते हैं शो नाइस है, वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई बहुत शुक्रिया। और साथ साथ फराज कह रहे हैं शुक्र है आज नाश्ता किया आपने, हाथ पैर क्या हो गया। ओके मीर तो अभी कहते हैं कि मेरे ना शोने मोने कॉमेंट्स ना नजरअंदाज ना करना, मेरे भाई दोबारा पेस्ट कर दो। साथ साथ राणा कमरान कहते हैं कि आज मैं सिर्फ कमेंट करूंगा बस, कम से कम नहीं करूंगा है? अच्छा कह रहे हैं काम शाम नहीं करूंगा मैं, सिर्फ ना आज कमेंट्स करूंगा। चलो ठीक कमेंट करो। सुनिए नहीं तेरा प्यार मेरा दिल जावे हर। चलें जी गाना मैं चेंज कर देती हूँ। नहीं आप लोग बहुत भगा लिया मैंने। चलें जी गाना ना मुझे एक और नजर आ गया, मतलब आज तो मुझे ऐसे गाने नजर आ रहे हैं। ओहो क्या गाने नजर आ रहे हैं, मतलब मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि क्या गाने मुझे दिखाई दे रहे हैं ना आज। ओहो 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 ओहो, मतलब मैं बता नहीं सकती लिटरली। चलें जी, और दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट ऑफ कोर्स, सो यस आई जस्ट लव दिस ट्रैक। वे सुन सजना वे दिल दी आवाज़ां, तेनू मंगदा मैं पढ़ के नमाज़। और थैंक्स टू डॉक्टर आयशा, मैं दिन विच अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए जिन्होंने ये गाना हमें एक दफा फरमाइश किया था। इस दुनिया में नहीं रही वो, कोविड की वजह से इस दुनिया से चली गई, और एक बार हमारी खुशकिस्मती ये है कि उनसे बात कर पाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। जब भी मैं गाना प्ले करती हूँ ना तो डॉक्टर आयशा मुझे जरूर याद आ जाती है इस गाने के साथ साथ। she was from Lahore actually. दिल दी आवाज़ां तेनू मंगदा मैं पढ़ के नमाज़ां, मैं दिन विच लिखदा तेरे ही बारे, तेरा ते गिनदा रेंदा तारे। असी तारे गिनण देनी हुण माहिर हो गए, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए। असी तारे गिनण देनी हुण माहिर हो गए, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए। और ना फराज पता क्या कह रहे हैं, कह रहे वैसे ना शूज अच्छे लग रहे थे, कहाँ से लिए थे आपने ना, मुझे भी लेना है। देखा तू बागां वरगा तू रंग बहारी, तू मिठड़ा मिठड़ा राग पहाड़ी। अच्छा जी, और सैयद राजा शके ने आज ना 4 घंटे का शो करना चाहिए, कल वाले 2 घंटे भी बस कर दो, मन्नत मांगो जन्नत ना मांगो। नहीं मजाक कर रही हूँ, मेरे पास हुमैरा का शो भी है भाई, क्या हो गया। और शहजाद कह रहे हैं कि आप अब ना ड्राइव पर तो हम नहीं जा सकते,
तो तुम बाइक तो चलाते हो ना, कान में हैंड भी लगे, लेकिन नहीं 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 मत करना ऐसा, क्या तुम लोग फिर इधर उधर की सुनोगे नहीं। लिख लिख के। अच्छा जी, रुबीना कह रही है कि हाँ लो आ गए हम। हाँ तो भाई क्या पड़ोसी को बच्चा पकड़ा के हैं, खुद चिल कर रही हैं। आज जाहिर हो गया तेरी याद लिख लिख के। शहजाद कह रहा है बता क्या सन को सबको, अच्छा सबको हैंड फ्री में ना सुना दिया करे, अभी ना माफ करा सर पर दर्द हो जाना है। ओके आमिर फराद मेरे भाई, इतने सारे स्टिकर्स भेजने की जरूरत नहीं है। फराद कह रहा तो कमेंट नहीं करूंगा बस। नहीं नहीं कमेंट्स करो मेरे भाई फराद, बोंगिया मार दे ना। असी फिक्के फिक्के जे तू मिठा मिठाए, असी थोड़े सांवले तू चिट्टा चिट्टाए, असी फिक्के फिक्के जे तू मिठा मिठाए, असी थोड़े सांवले तू चिट्टा चिट्टाए, उसने किराए वांग बहारा बाल तेरे ने। अच्छा जी, और फराज कह रहे हैं कमेंट्स ना वाकई में नहीं करूंगा मैं, नहीं करो कमेंट्स जरूर करो। और सदरुबीना कह रही है यार ये मोहब्बत है लोगों की जो मश को इतना प्यार देते हैं, माशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है। और इसके अलावा फराज कह रहे हैं कि राना कामरान नहीं करूंगा कमेंट्स, खुश अब मिठाओ है और मिठाई लेकर आओ सबको खिलाओ, ये सही है। और इसके साथ साथ हाँ जी गाना भी एंड हो गया, नहीं दोबारा प्ले कर देते हैं। अच्छा जी, और साथ साथ रुबीना क्या कह रही बात सुनो, आज का टॉपिक क्या था पता नहीं चल रहा भाई। आज का टॉपिक ये था भाई, आपने बताना मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस आपने शेयर करने, जिसके बाद आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया, क्यूट सा मोड़ आ गया। पता नहीं क्यों मैं बार बार ये कह रही हूँ। अच्छा जी, राहुल वालों से कहते हैं अभी मेरे कमेंट्स देखे, हाँ देख रही हूँ शर्मीन, देख रही हूँ मैं। असी तारे गिनन देनी माहिर हो गया। अच्छा जी, मीट टॉपी कहते हैं कि जल्दी आ गई आप, बताया भी नहीं, कंजूस हैं। मतलब कंजूसी वाली क्या बात है, माहिर हो गया। फराज कह रहे हैं बनाना कमेंट्स नहीं करूंगा मैं, रो रहा हूँ। अच्छा जी, खान कहते हैं कि गुड बाय, अभी मैं ना काम कर रही हूँ और आपका शो भी सुन रही हूँ, जबरदस्त की लड़की, अपना नाम तो बताती जाओ। और साथ साथ रुबीना कह रही है आमीन, फराज कह रहे हैं आमीन, और मोहसिन लियाकत भी आमीन कह रहे हैं, सुम आमीन। कहा कह रहे हैं कि बाजी कितना अच्छा हो जाएगा ना कि सब आपकी तरह सोचने लग जाए। अच्छा ठीक है, और साथ साथ मोहम्मद शहजाद कहते मतलब मेरी तरह क्या सोचने लग जाए ये तो बताए आप। मोहम्मद शहजाद कहते फराज भाई ऐसा शूज ना यहाँ शीशे के पुल के नीचे ना 100-100 में मिलते हैं, बेटा बस कर दो 100-100 के मिलते हैं। हाँ वैसे मिलते होंगे, अरे अरे 100 रुपए के मिल जाते हैं वैसे शूज, यूज होंगे, क्या फायदा यूज चीजें लेने की, इस्तेमाल शुदा चीजें नहीं लेते भाई। और साथ साथ राहुल बलोच कहते हैं कि अभी कभी ऐसा टॉपिक रखेंगे, दिल तो दिल है पत्थर पे भी आ सकता था, वो काम छोड़ कर जाने से बता है पहले, वो अच्छा कहना कम से कम छोड़ कर जाने से पहले बता तो सकता था। और साथ साथ तो जाने देती हूँ, आपने दरवाजा बंद करना था पीछे से, मतलब शर्मीन लिख लिख के शायर हो। मैंने इतनी दफा मैं इस बात पे लेक्चर दे चुकी हूँ, ये भाई देखें सिंसेरिटी दोनों तरफ से होती है, कभी एक तरफ से सिंसेरिटी नहीं होती, अगर एक तरफ से सिंसेरिटी है दूसरी तरफ से नहीं है ना, तो यू कैन नॉट मैरी अ पर्सन, राइट। सो इफ यू वांट टू मैरी अ पर्सन, जस्ट फिगर आउट दैट द पर्सन इज सिंसेर विद यू और नॉट, दैट इज द पर्सन इज लॉयल विद यू और नॉट। इफ यू आर लॉयल, इफ यू आर सिंसेर, इफ यू आर इन लव, सो द पर्सन इज और नॉट, दैट्स मैटर अ लॉट, राइट। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक दिल सच्चा और पुरखलूस और दूसरा दिल ना हो और फिर नहीं बनते ऐसे रिश्ते भाई, ये कायनात का उसूल है। अच्छा
जी, और साथ साथ कह रही है कि अभी मैंने ना टॉपिक का जवाब दिया है, देखे ना हाँ पढ़ लिया, और साथ साथ कह रही है अभी सॉरी ना मैंने 11 बोला, मुझे लगा कोई लड़का है, अगर लड़की हो तो चलो खैर है कोई नहीं है। अच्छा जी रुबीना कह रही है बात सुनो, ये जो औरंगी वाले होते हैं ना इनका दिल दिमाग ना सब बहुत बड़ा होता है, भाई इलाज करवाओ, बड़ा है तो फिर तो आपको इलाज की जरूरत है। और साथ साथ फराज कह रहे हैं तुमसे किसी ने पूछा, चलो साइड पढ़ो, कह रहे कहाँ से आते ऐसे लोग। वैसे फराज वैसे उसने मशवरा तुम्हें अच्छा दिया है। और साथ साथ रिजवान कह रहे हैं आप जशानदा पी ले आवाज सही हो जाएगी, हाँ मैं जशानदा पी कर आई हूँ, और साथ साथ आप लोग मुझे मशवरे वो देते जो मैं ऑलरेडी कर चुकी होती हूँ काम। और साथ साथ रुबीना कह रही बेटा वरहाना हमारी जिंदगी में तो शादी के बाद ना मोड़ आ गया है, अब ना आपकी बारी है, जल्दी लाओ न्यू मोड़ अपनी जिंदगी में। अच्छा ठीक है। और साथ साथ रिजवान कह रहे आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन, बहुत शुक्रिया मीठा भी कहते हैं कि हाय मीठे मिठाई लें और लेकर आओ खानी है मुझे, ये सारे मुफ्ते बन जाते हैं। मोहम्मद नूर कह रहे पश्तो सॉन्ग का कुछ नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो मैं फरमाइश करता हूँ, पश्तो सॉन्ग मैंने लगा दिया मेरे भाई, अब नहीं दोबारा प्ले हो सकता। हरीश कुमार कहते हैं सिकंदर अली जतोयन, हरीश कुमार बहुत शुक्रिया, ये हरीश कुमार है गैस, बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। मजर इकबाल कहते हैं स्टार्टेड वॉचिंग योर शो फॉर 2 वीक्स सिंस, नाइस शो कीप इट अप, बहुत शुक्रिया थैंक यू। और साथ साथ मीर जाफी कहते हैं कि मेरा मोबाइल ना बहुत है, तेरी याद चली मारो बेटा बोंगे मारो, तुम लोग मेरे शो में के बोंगे नहीं मारोगे तो फिर चलेगा कैसे, तुम लोग का खाना कैसे हजम होगा। सलाम कह रहे हैं कि अभी राना इमरान आपको सलाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि डॉक्टर आयशा वाला सॉन्ग जो है वो मुझे भी ना मोहल्ले क्या है कुछ ना करी वाला है, ये नहीं था यही वाला था, क्या हो गया राना इमरान मेरे भाई, वालेकुम अस्सलाम, यही तो था, आप मोहसिन लियाकत से पूछ ले, मोहसिन लियाकत नहीं तो आके बताया था कि भाई डॉक्टर आयशा ने फरमाइश की भाई शायर सॉन्ग प्ले करते हैं, वो वाला नहीं था भाई, मुझे सब याद रहता राना इमरान मेरे भाई। अच्छा जी और साथ साथ रुमीना क्या कह रही वरहाना आपको पता है कि लाइट गई हुई है, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता चलेगा। अच्छा और साथ साथ फराज कह रहे हैं इफ यू आर परफ्यूम उर्दू में बताओ कि कुछ लोगों की समझ में नहीं आया बर्गर। I am not a burger. Of course, I am not a burger. But I am not bun kebab, of course. Okay. लिख लिख के यार समझ में आ गया, जिसको समझ में आ रहा था सबको समझ में आया होगा भाई क्या हो गया। अच्छा जी और साथ साथ तनवीर अहमद कह रहे हैं कि अभी अगर आपका ना शो 10 घंटों का भी होता ना तो मैं सुनता रहता, लिख लिख के हाँ फिर वो एक ही दिन का होता फिर, क्योंकि पूरे 5 दिन के 10 घंटे अगर मैं एक दिन में शो कर लूंगी तो वैसे पॉसिबल ही नहीं, टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा जी साथ साथ रिजवान रिजवी कह रहे हैं कि फराज भाई ये कैसे खुश हो रहे ना, आज मैंने कॉल शामिल की, इतना खुश है ये सारे के सारे लोग कमेंट्स करने वाले ना, इतना कोई खुश है ना, इन लोगों के दिल गार्डन गार्डन हुए हैं आज बाकी में। फिक्के जे तू मिठा मिठाए असी थोड़े सांबले तू चिट्टा चिट्टाए। अच्छा और साथ साथ रुबीना कह रही है कि कल आपको बहुत मिस किया, आपकी याद में ना मैंने FM 101 सुना और यार मजा आया, काफी अच्छा शो था, सही है। अच्छा ठीक है जाओ अभी भी जाओ वहीं पे, अभी यहाँ भी क्यों आई हो है बेवफा लोगों। अच्छा जी साथ साथ मीर तौफीक कहते हैं कि ऐसे बोलो ना कहाँ से आते हैं ऐसे लोग और कहाँ हैं ये लोग। मौसी नगर कहते हैं जी इमरान भाई शायर सॉन्ग है डॉक्टर आयशा वाला, देखा मैंने बोला था ना मैं बादाम नहीं खाती लेकिन फिर भी मेरी याददाश्त मतलब माशाल्लाह है। और साथ साथ फराज कहते हैं और रुबीना बहन आपकी शादी हो गई ना बस काफी है। और साथ साथ रिजवान कह रहे हैं यू आर सो सवई, ओके बहुत शुक्रिया। और साथ साथ अच्छा जी मीर क्या कह रहे हैं ओके रुबीना कह रही है कि जलने की वो आ रही है, कहाँ कौन जल रहा है भाई क्या हो गया। मीर रफ तो भी कह रहे हैं इस बोंगी का मतलब क्या है, जाओ गूगल करो। गुलाम मुस्तफा दर्जी सॉरी गुलाम मुस्तफा दर्जी क्या कह रहे हैं भाई, कुछ तो कह रहे थे, कमेंट कहाँ चले गए, कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम जहानिया मंडी से सुनते हैं, वालेकुम अस्सलाम क्या बात है, कहते हैं खुशी खुश नहीं है हम मैसेजेस वाले, हाँ ज्यादा वीजा वालों ना बने अभी कॉल आ जाएगी दोस्तों के, अच्छा है इनके लिए ना सॉन्ग है कॉलर के लिए, हाँ तो कल आएंगे ना लोग। अच्छा जी रिजवान कहते हैं प्लीज प्ले एनी सॉन्ग ऑफ द लेजेंड आलमगीर, बस करते रिजवान तो फैल ही गए, बस एक गाना प्ले कर दिया अब एक और गाना, दो गाने और फरमाइश किए उन्होंने, वो वाला तो कमेंट स्क्रॉल हो गया था, मैंने ऑफ एयर बढ़ा था वो।
रिजवान नजवी बस कर दे, एक गाना प्ले हो गया, बार बार प्ले नहीं होता। तेरा ती गिनदा और सास रूबी ने कह रही है, अरे आप तो हमारी जान है, आपको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे चंदा, बस कर दो चंदा। अब जो है ना बस एप्पल पॉलिश करने लगी हैं। तेरी याद च लिख लिख के अस शायर हो गए। अच्छा जी मीर दावे कह रहे हैं सब शो आप ना एक दिन में करके ना फिर रेस्ट करो, फिर दोबारा बोंगी मार दी ना बोंगी। अच्छा जी ज्यादा मौसम कहते हैं माशाला जी माशाला, और बस करें शो आराम कर लें, आज जाएंगी तो फिर कल आएंगी हमारी, हाँ कल इंशाल्लाह आएंगे ना, क्यों नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। और साथ साथ रिजवान रिजवी क्या कह रहे हैं आई एम रिक्वेस्टिंग डियर आरजे ना करे रिक्वेस्ट, क्योंकि हमने एक प्ले कर दिया, मैंने बोला ना बेटा मन्नत मांगो जन्नत ना मांगो। हाथ धो गए यार, एक एक मैंने प्ले कर दिया, अब बार बार क्या फरमाइश करते रहेंगे, फरमाइशी शो शुरू हो गया क्या। अच्छा जी मौसम लगा, हाँ जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और भी ने कह रही है आप ना आप हैं, आपके जैसे ना कोई नहीं हो सकता, जो बात है, बहुत शुक्रिया भाई रुबीना। और इसके अलावा फराज कह रहे हैं कि आज ना बहुत खुश हूँ, ऐसा लगता है कि आज ना मैं हवाओं में हूँ, मैं कितना मजा आ रहा है। क्यों भाई तुम्हें कोई चील उठा के ले गई है, तुम हवाओं में हो, तुम्हें कोई अकाब उठा के ले गया है, तुम हवाओं में क्यों हो। याद च लिख लिख के। और सास शहजाद कहते हैं रिजवान भाई किसी की फरमाइश ना एक भी पूरी हो जाए ना तो वो तोहफा बनता है, आप कब आप ना कब बांटोगे हैं। रुबीना कह रही है ऑफिस लड़की को ना किसी तरह सुकून नहीं है, हाँ हाँ करो तो नाराज, ना करो तो नाराज, नहीं मैं नाराज नहीं होती। शर्मिन कह रही है अभी मेरी सिस्टर बोल रही है कि आपकी आवाज ना सुन के दिल को दिल खुश होता है और काम करते हुए सुन रही हूँ, अरे वाह क्या बात है जबरदस्त, क्योंकि मेरा भी दिल खुश होता है जब आप लोग जो है मुझे अप्रिशिएट करते हैं और मेरी वजह से आप लोग खुश होते हैं। रिजवान कह रहे हैं कि भाई टेक केयर डियर आरजे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। रुबीना कह रही है कि फराज भाई ख्वाब से उठो, कहीं चेयर से ना गिर जाना। राहिल बलोच कहते हैं अनिकेत शर्मा कह रही है और अभी आमना नहीं आई है अभी तक, हाँ भाई आमना कहाँ है, आज कहाँ गायब है लड़की, क्या उसको पता नहीं है शोर है। अच्छा जी और खान ए एन लड़की अपना नाम बता दो, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं तुम्हें खान ए एन ही बोलती रहूंगी। कह रही है कि टॉपिक नहीं सुना अभी तक, तो अब शो एंड पे जा रहे हैं, टॉपिक की बात कर लो। गुलाम मुस्तफा दर्जी कहते हैं कि रफ्तार रफ्तार आते मतलब की आवाज में शुक्रिया। फराज कह रहे अगर मैं स्पाइडरमैन होता ना तो सबको हवा में उड़ा देता, इसीलिए नहीं है तुम्हें स्पाइडरमैन बेटा, ये वजह है। कौन सा गाना बोला था अभी किसी ने, अच्छा रफ्ता रफ्ता, चलो रफ्ता रफ्ता प्ले करते हैं, बहुत दिन हो गए रफ्ता रफ्ता हमने प्ले नहीं किया, तो रफ्ता रफ्ता साथ साथ हम इसको प्ले कर देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, और बैकग्राउंड पे सुनेंगे सही है। मतलब आप लोग ना आज मतलब आप लोग फरमाइश करते जाएं आज, लेकिन ये नहीं करना कि एक बंदे ने चार फरमाइश एक साथ करनी है, ये नहीं करना, ये मैं पहले बता रही हूँ। अच्छा जी हाँ जी अच्छा सही है ठीक है ओके यस हियर वी गो। अरे दो दो गाने क्यों चल रहे हैं भाई, अरे एक ही चलना है, हाँ एक चलना है। अच्छा जी रुबीना क्या कह रही है टाइम खत्म होने वाला है, किसका कह रही है शोक, अच्छा शोक सही, मैंने कहा है किसको टाइम खत्म हो रहा है तुमसे मिल। अच्छा जी मीर टॉफी कहते हैं भाई तो बोल रही हो भाभी भी ढूंढो ना, मैं कोई मेरे रिश्ते वाला ऑफ, मैंने मैरिज ब्यूरो खोला हुआ है, भाभी भी ढूंढो, दो घंटे के लिए आए तुम्हारे सारे काम करे, तुम्हारी तरबियत भी करे, तुम लोग के दिमाग भी सही करे, तुम लोग की फरमाइशें भी पूरी करे, तुम लोग के लिए भाई क्या हद हो गई यार, ढूंढो जाके। मदर इकबाल कहते हैं कि आई एम थिंकिंग कि आपका शो सुनो या ऑफिस में काम करो दोनों। आबिद अमीर कहते हैं कि मुश्क अली नाराज हैं आपसे, लड़की कहती है कि मुझे कोई ना मिस नहीं करता। अरे मुश्क को किसने कहा भाई, मुश्क हम आपको बहुत मिस करते हैं, आ जाएं, नाराज वराज नहीं हो करें। अच्छा जी सासद खान ये कहते हैं अभी मैं मदीहा हूँ, अच्छा मदीहा है ओके मदीहा I will remember it, okay. और साथ साथ रुबीना क्या कह रही हैं ख्वाबों में बनोगे आप तू ही तो बहुत यार रूबरू तू ही तू
अच्छा जी रिजवान कह रहे हैं लबाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए आमीन स्वामी जजाकला बहुत शुक्रिया रिजवान मेरे भाई। और साथ साथ फराज कह रहे हैं कि यार मसला है रफ्ता रफ्ता छोड़ो को जोर मिले करो तो तुम गाना सुनो दो मिनट का फराज इंजॉय करो रफ्ता रफ्ता जाइए को चुराइए तक के ना मर जाइए। अच्छा जी रूमीना कह रही है कि ओके चले ठीक हो गया। और इसके बाद मीर टॉफी कह रहे हैं कि एक लड़की 300 बार नाम बता चुकी है आप सुनती भी नहीं है तो नहीं कमेंट्स में आवाज नहीं आती मेरे भाई यूज योर कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमन। और साथ साथ गुलाम मुस्तफा दर्जी कुछ कह रहे हैं शुक्रिया शुक्रिया कोई बात नहीं मेरे भाई। फराज कह रहे हैं कि इसकी आवाज सुन के ना बस छोड़ो 10 बार बता दिया मैंने। यार कामयाब आदमी से ना हर कोई जलता है मैंने भी 10 बार बता दिया फराज। फराज कह रहे हैं कि मुझको बहुत मिस किया मैंने ख्वाब में। तो जाहिर है तुम्हारी बहन है तो तुम मिस ही करोगे उसको। आबिद मीर कहते हैं चांद सा मुखड़ा सबके नाम सबके हाँ फिर भी यार। अब चांद सा मुखड़ा ना हम कल प्ले करेंगे। सही है रूबीना कह रही फराज भाई बोंगीबाज है ओके हाँ जी बिल्कुल ये तो हम बता चुके हैं। रिजवान रिजवी कह रहे हैं हम ना आपको बहुत मिस करते हैं तो बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और लाडला फयाज अहमद चौहान बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। सैयद राजा शाह कहते हैं कि नाइस बहुत शुक्रिया। तसव्वुर खान कहते हैं कि बब्बाय अभी बब्बाय क्या हो गया भाई पहला कमेंट ही बब्बाय कर दिया सही है ओके ओके। और मोहम्मद अदनान खान कहते हैं कि नाइस श्वाबी जी बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच अदनान। और साथ साथ मीर टॉफी कहते हैं मुझे बस ना आपकी एक बार सिंधी सॉन्ग सुनवाओ फिर ना एक मंथ फरमाइश नहीं करूंगा चलो कल प्ले करेंगे सही है। और पता है कौन सा वाला प्ले करेंगे हम वो प्ले करेंगे वो कौन सा वो अरशद कौन सा वो सॉन्ग का नाम वो सिंगर का नाम क्या है अरशद करके कुछ नाम है उनका एक गाना है जो कि है उर्दू में लेकिन हम उसको प्ले कर देंगे सही है। तो फिर जो है वो कल प्ले करेंगे इंशाल्लाह ठीक है आज नहीं क्योंकि आज अभी हुमैरा भी आ चुकी है और टाइम भी मेरा शो का जरा एंड हो गया तो इंशाल्लाह कल प्ले करते हैं उसको ओके। सो अच्छा शहजाद कह रहे हैं अभी ऐसा कामयाब आदमी हमारे वहाँ बहुत ही रहते हैं कोई नहीं सुनता उनको आपकी वैसे ना इस कामयाब आदमी को सुन लेते हैं वरना बहुत पका हुआ है इस कामयाब आदमी से। वही बात कह रहे हो भाई कामयाब इंसान से भाई देखो बंदे ने नाम बनाया है पूरी दुनिया में। मैंने बताया था ना कोई एक मुल्क है जहाँ पर जो है वो जिस दिन आतिफ असलम की बर्थडे होती है उस दिन वहाँ पर लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं वहाँ पे पब्लिक हॉलीडे होता है यार फिर जल रहे हो तुम लोग खौफ करो खुदा का। तो हुआ है असर चले जी इंशाल्लाह मिलेंगे आप कल सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान जन्नतों का। जब तक अपना रब ने प्यारों का रखेगा बहुत 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 ज्यादा ख्याल और अपने चाहने वालों को भी रखेगा बहुत ज्यादा ख्याल। और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआएं मगफिरत जरूर कीजिएगा मुझे भी रखिएगा अपनी दुआ में यार। फरहाना इस्माइली साइनिंग ऑफ फी अमानिल्लाह।